अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। हमने नावल तेरी सितमगरी कंप्लीट कर ली है। जैसे कि आपको पता है काफ़ी दिनों से तो हम पूछ रहे थे कौन सा नावल स्टार्ट करें। उस वक्त जब हमने पोल क्रिएट किया उस वक्त हमारे जहन से सफ़र को निकल गया था। इस वजह से उस वक्त हमारे जहन में जस्ट दो नावल थे, एक इंतखाबे मन और दूसरा वो जो हमने पहले कहा था उसका नाम मैं तेरा सरमाया हूँ। सो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि इंतखाबे मन को अपलोड किया जाए, इस वजह से हम अब इंतखाबे मन का पार्ट वन अपलोड करेंगे। आई होप कि आपका नावल पसंद आएगा और आपके साथ हमें भी। नावल नेम इंतखाबे मन बाय राबिया ज़िशान का नावल है जिसे हम रीड आउट करेंगे। तो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है इसकी क्या बेस्ड है, आप डिसाइड कर लें स्टार्टिंग से कि आप लोगों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। पुलिस बेस्ड, रिवेंज बेस्ड, फोर्स मैरिज बेस्ड, सेकंड मैरिज बेस्ड, आर्मी, ये पता नहीं इधर रूमी लिखा हुआ है। ओके जी। सहराब शाह को अपनी यूनिवर्सिटी फैलो फलक से मोहब्बत हो जाती है। फलक अपनी बेवा खाला के साथ रहती थी, बिला की खूबसूरत और जहीन भी बहुत थी। वो स्कॉलरशिप पर ही शहर की इस महंगी तरीन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तलीम थी, जबकि सहराब और मेहराब का रिश्ता कासम शाह अपने दोस्त की बेटियों नईमा और अरूसा के साथ कर चुके थे। वो हवेली में किसी के, आई थिंक ये पास्ट है, हाँ माजी लिखा हुआ है, ठीक है ये पास्ट है, अरूसा के साथ निकाह तय कर चुके थे। हवेली में किसी के इल्म में लाए बगैर फलक से निकाह कर लेते हैं। सिर्फ इनके फादर मुंशी जी को पता चलता है, सॉरी इनके वफादार मुंशी जी को पता होता है। इन्हें मजबूरन नाइमा बेगम से शादी करनी पड़ती है, मगर वो नाइमा के साथ भी किसी किस्म की ज्यादती नहीं करते। फलक उम्मीद से थी जब अगले महीने इन्हें नाइमा के प्रेगनेंट होने का पता चलता है। हवेली का पहला वारिस इस दुनिया में आने वाला है। इस खबर पर हर तरफ खुशियाँ मनाई जाती है। जब एक दिन सहराब शाह के हार्ट अटैक से होने वाली मौत हवेली पर क्यामत बनकर गिरी, नाइमा यह खबर सुनते ही बेहोश होकर सीढ़ियों से गिर जाती है। डॉक्टर्स की बेइंतहा कोशिशों के बावजूद भी सहराब के बच्चे को बचाया ना जा सका। जबकि हवेली से दूर शहर के एक पसमिंदा इलाके में मामूली सी डिस्पेंसरी में फलक ने सहराब शाह के बेटे को जन्म दिया। जचकी में होने वाली कुछ पेचीदगियों की वजह से वो अपने बच्चे को देखे बगैर खामोशी से अपने महबूब शोहर के साथ अबधी सफ़र पर रवाना हो गई थी। सहराब की वफात के एक हफ्ते बाद जब मुंशी जी फलक बीबी को यह खबर सुनाने शहर पहुंचे तो वहाँ एक और क्यामत इनकी मुंतजर थी। मुंशी जी चुपचाप बच्चे को लिए हवेली चले आए तो हवेली में जैसे भूचाल आ गया, बीजाने से सीने से लगाया और इनके सहराब की आखिरी निशानी था। इन्हें लगा जैसे सहराब इनकी गोद में वापस आ गया। वो हवेली का पहला वारिस था। बड़े पैमाने पर खैर खैरात की गई, जश्न मनाया गया। कासम शाह ने इसका नाम मीर शाह से सहराब रखा। नाइमा की इद्दत खत्म हुई तो इसके मैके वाले इसे ले गए कि अब इसका यहाँ रहने का जवाब ही नहीं बनता था। हवेली वालों ने भी मना ना किया क्योंकि नाइमा अभी जवान थी, इसके आगे सारी जिंदगी पड़ी थी, इनका बेटा तो जा चुका था, वो किस हक से रोकते। अरूसा ने मीर शाह को तंग करने में कोई कसर ना छोड़ी। वो हर वक्त बीजान के पास रहता और शुरू से ही संजीदा मिजाज था, ना ज़्यादा शरारतें करता था ना किसी चीज़ के लिए तंग करता था। वो गैर मामूली जहानत रखता था, वो बहुत खूबसूरत था, बकुल मुंशी जी के वो बिल्कुल फलक बीबी की कापी था। अरूसा जब जब मीर को देखती थी इसमें फलक नजर आती थी, इसकी बहन की सौतन। चलो बहन को कोई मसला नहीं और इसको मसला है। सैयद कासम अली शाह अपने अबाई गांव शाहपुर के सबसे बड़े ज़मींदार थे। सैयद घराने का शाहपुर से बहुत पुराना रिश्ता था। इस गांव का नाम ही सईदों के नाम पर ही शाहपुर रखा गया था। वहां के लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। कासम शाह अपने गांव के सरपंच भी थे। शाह हवेली में कासम शाह अपनी बीवी रहीला शाह, जिन्हें सब बीजान कहते हैं, वो अपने बच्चों के साथ रहायश पसीर है। इनके चार बच्चे थे, ध्यान से सुने, हम बाद में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमें खुद याद भूल जाता है। सहराब शाह जिनका एक ही बेटा है मीर शाह, मतलब सहराब शाह जो अभी मर चुका है, उसने दो शादियां की हैं फलक से और उसकी दूसरी वाइफ का नाम हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद मेहराब शाह जिनकी शादी अरूसा से हुई है, उनके तीन बच्चे जमान शाह, अरमान शाह और इरहा शाह है। फिर नगीन शाह थी जिनकी शादी फैज़ शाह से हुई है, एक एक्सीडेंट में इन दोनों का इंतकाल हो गया। इनके दो बच्चे सईदा जारून शाह, सॉरी सैयद जारून शाह और महमा शाह हैं। फिर दराब शाह थी जिनकी शादी शाहीना बेगम से हुई थी, इनके भी दो बच्चे मुराद शाह और फरवा शाह हैं। बस आप यंग जनरेशन को याद रखें, ये पास्ट है और ज़्यादातर आई थिंक यंग जनरेशन पे होगा। फरवा जाने कब मीर शाह को चाहने लगी थी, मगर मैं सॉरी घर में जहाँ सब मीर शाह के गुस्से और इसकी पर्सनैलिटी में घुली संजीदगी से खाइफ थे, वहीं फरवा मैडम मोहब्बत का रोग लगाए बैठी थी। उफ फरवा मतलब हद यार, तुझे दिल लगाने के लिए सारी दुनिया में वो हिटलर ही मिला था यार, तो कैसे रहेगी इनके साथ। इरहा शोक में थी अभी तक क्योंकि इस पूरी हवेली में वो आहत बंदा था जिससे इरहा को भी खौफ आता था। इसकी डिक्शनरी में जितने भी खौफनाक वर्ड्स थे वो सब मीर शाह के लिए मुख्तिस थे। अरे यार तुझे क्या पता मीर क्या है मेरे लिए यार, इनकी पर्सनैलिटी उफ। इरहा मैं तो इनके ख्याल से ही कांप जाती हूँ, और आँखें किस तरह बंदे को अपने बस में कर लेती हैं।
हाँ हाँ कर लेती हैं बस में, और नहीं तो कोई कुछ हर वक्त तो तेवरी चढ़ाई होती है। बंदा खाक इनकी आंखें देखे हर किसी को घूरते रहते हैं, मजाल है कभी मुस्कुरा लें, चलो मान लिया के प्यारे हैं भई, मगर कितने रूढ़ रहते हैं, हर वक्त सड़ियल बने रहते रहना भी ठीक नहीं, बंदे को थोड़ा खुश इखलाक भी होना चाहिए। मेरा तो कभी कभी दिल करता है इस हवेली के सारे मुंडों को पकड़ कर खुश इखलाकी की ट्यूशन दूँ, मुंडो मतलब लड़कों, मगर वो जलाद के खालू ले ही ना ले मुझसे ट्यूशन, और मीर भाई के तो माथे के बल ही नहीं खिलते हैं किसी वक्त भी, आई थिंक खुलते हैं। मेरी बाकी की तारीफ आप लोग फिर कभी कर लेना, अभी भीजान अंदर बुला रही हैं आपको, वो मखसूस संजीदा लहजे में कहकर आगे बढ़ गया। हाय अल्लाह ये कब नाजल हुआ, फरवा में शर्म से मर जाऊंगी यार, पता नहीं क्या क्या बोल गई मैं, वो तो ध्यान नहीं रख सकती थी, बंदा आगे पीछे भी देख लेता है, वो जाने कब से आके पीछे बातें सुन रहे होंगे। मीर की बात हो रही हो तो मुझे कब किसी चीज़ का होश रहता है, थका और वैसे भी तुझे किसने कहा था बकवास करने को, वो मेरे बारे में जाने क्या सोच रहे होंगे। फरमा ने अपना रोना रोया, जब वो राकश तुम्हारे पले पड़ेगा ना तब पता चलेगा तुझे कि मैं सच कहती थी। वैसे फरफा ये बात आगे कैसे बढ़ेगी, मतलब मीर भाई से बात करना भी जान जोखों का काम है, ये सब तो अभी मुझे भी नहीं पता, मगर इस बात की तसल्ली है कि इनकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर इन्हें कोई लड़की पसंद होती तो वो अब तक शादी कर चुके होते, कंवारे नहीं फिर रहे होते। वैसे फरवा भाई काफ़ी बड़े नहीं है तुमसे, कम से कम अभी कम से कम भी 8-10 साल तो बड़े होंगे। हाय तुम बुढ़े से शादी करोगी, रहा को एक नया गम सताने लगा, बको नहीं वो इतने भी एज नहीं है, चलो अंदर। कासिम शाह और बीजान के बेंधा प्यार और तवज्जा के बावजूद भी जाने क्यों वो अलग थलग सा रहता, ना किसी से खुलता मिलता ना किसी से ज़्यादा बातचीत करता था, यही हमारा हीरो है। इसने खुद को संजीदगी और तन्हाई के खोल में बंद कर लिया था, इसकी तबीयत में इतनी शिद्दत थी कि सब इससे कतराते थे, मगर फिर वक्त के साथ साथ अहान जारून अरमान और मुराद इसके मिजाज को जान गए थे, उन्होंने मिलकर बहुत हद तक इसको अपने साथ अटैच कर लिया था और सब एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे सवाए जबान छा के। मीर के इतने सीरियस रहने के बावजूद भी उन्होंने इसे अकेला नहीं छोड़ा था कभी, इनमें इतना प्यार और इतफाक देखकर कासिम शाह का सिरों खून भर जाता था। अहान इनके वफादार मुंशी आसफ अली का बेटा था जो इनके यहाँ शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ था। जब अहान फिफ्थ क्लास में था तब वो अपनी माँ की वफ़ात के बाद अपने वालिद के साथ हवेली में बनाए गए मुलाजमीन के क्वार्टर में रहने लगा। वो बहुत ज़हीन और कमगो बच्चा था, जमान की हमेशा इसके और मीर के साथ ठन जाती, वो बहुत बदतमीज़ था। कासिम शाह ने इसे शहर इसी स्कूल में दाखिल करवाया जहाँ शाह हवेली के बच्चे पढ़ते थे, वो बहुत जल्द सबके साथ अटैच हो गया था। आसफ एक दिन मेहराब शाह के साथ किसी काम से गया हुआ था कि एक ट्रक के साथ उनकी गाड़ी की हुई टक्कर में सर पर शदीद चोट लगने के बायस आसफ मौका पर ही जान बहक हो गया। वक्त का काम है गुजरना सो गुजरता गया, वो सब बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी में दाखिल हो गए थे। ओके जी, जमान शाह जो हकीकतन शाह हवेली के लिए शर्मिंदगी का बायस था, रूसा की बेजा छूट और हर गलती पर इसकी हमायत ने इसे इतना खुदसर और बदतमीज़ बना दिया था कि अब किसी के कहने में ना था, तकरीबन हर बुराई इसमें थी, शराब शबाब, अब तो गांव के लोग भी इसकी हरकतों की वजह से इसे आजिज़ थे। कासिम शाह इसको कई बार समझा चुके थे मगर वो सदा कर ढीठ मान के ही ना दिया, वो वारा दोस्तों के साथ हर वक्त जीप लिए घूमता फिरता, रास्ते में गुजरने वाली हर आने जाने वाली लड़की से बदतमीजी करता था, शहर भी अक्सर आना जाना था, और ये किस लिए था तकरीबन सभी जानते थे। बचपन में इसका रिश्ता महिमा से तय किया गया था मगर अब इसकी हरकतों की वजह से सब खामोश थे, मगर चंगारी भड़काई रूसा बेगम ने इसे ये बात बताकर इसे महिमा से कोई जज्बाती वाबस्तगी ना थी मगर मंग छोड़ना इसकी मर्दानगी को बर्दाश्त ना था। जब इसने दो टोक फैसला सुनाया शादी का तो सब ने इसे इस रिश्ते से इनकार कर दिया कि वह यतीम बच्ची के साथ ज्यादती नहीं कर सकते थे। वो तिलमिलाया तो बहुत मगर खामोश हो गया, लेकिन यह खामोशी तूफान के आने से पहले की थी। महिमा ने भी इनकार कर दिया था और यही इनकार जमान शाह के गुस्से को जिद में बदल गया था। अरूसा बेगम के पढ़ाए गए सबक के मुताबिक वो अपनी तमाम तर सरगर्मियों को फिलहाल तर्क किए हुए था कि किसी तरह शादी हो जाए फिर वो अपनी मनमानी करे, किसकी हिम्मत जिसे रोके। एक बार फिर घर में अरूसा बेगम ने शादी का तस्करा छेड़ा कि अब तो वो बहुत बदल गया है, शादी हो जाए बीवी आ जाएगी तो इसे कहाँ फुर्सत होगी बला फजूल कामों और दोस्तों के साथ फिरने की। अच्छा बीवी टीचर है जो आपके बेटे को सुधारेगी या डंडा लगाएगी कि हाथ आगे करो, अजीब बेतुकी सी बातें करते हैं लोग। सब सोच में पड़ गए कि शायद वाकई ऐसा हो जाए, शायद महिमा जमान को राह रास्त पर ले आए, मगर कोई भी फैसला फिलहाल ना हुआ क्योंकि कासिम शाह मुतमईना थे इस बात को लेकर, और वैसे भी मीर शाह और जारून शाह एक माह से किसी खुफिया काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। जारून को बड़ा भाई होने की हैसियत से पूरा हक है अपनी बहन के बारे में फैसला करने का। फिर जाने क्या हुआ कि महिमा मान गई कि इसे कोई इतराज़ नहीं इस शादी से। सब हैरान थे कि महिमा रातों रात कैसे मान गई, मगर इसका कहना था कि वो जमान को बदल लेगी। सब खामोश हो गए, बीजान ने महिमा को बुलाकर इसे बात की
बातों बातों में टोह लेने की कोशिश की कि कहीं वो किसी दबाव में आकर इतना बड़ा फैसला तो नहीं कर रही, मगर कोई सिरा हाथ ना आया। फिर जमान ने रट लगा ली कि वो कोई ढोल धमाका नहीं चाहता, बस अगले हफ्ते सादगी से निकाह कर दिया जाए। सब ने समझाया कि इतना भी क्या जल्दी है, ज़रा सब्र से काम ले, कम अज़ कम जारून को तो आ लेने दो, वो भाई है महिमा का। मेहराब आप बात करें ना बाबा से, कितनी मुश्किल से तो जमान सुधरा है, करवा दे इसकी शादी महिमा से। इसके लिए तो जमान ने खुद को सरता पैर बदल लिया है। और क्या चाहते हैं आप लोग मेरे बेटे से? अरूसा बेगम, ये तीन बच्ची का मामला है और तुम्हारे बेटे का पिछला रिकॉर्ड कैसा है सबको इलम है इसका। आज वो बदला है, कल फिर बदल गया, तो मैं क्या मुँह दिखाऊंगा अपनी महरूम बहन को? और जारून बिल्कुल राजी नहीं है इस शादी के लिए, मगर इसकी बहन तो राजी है ना, इसने खुद कहा है इसे कोई इतराज़ नहीं इस रिश्ते से। अरूसा बेगम चमक कर बोली, वही तो हमें समझ नहीं आ रहा, वो इतनी सुलझी हुई सलीका शार बच्ची कैसे मान गई। कमाल करते हैं आप भी शाह साहब, हमारे सामान में क्या कमी है भला? खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है माशाल्लाह से, जी बजा फरमाया आपने, मगर सूरत के साथ सीरत भी मायने रखती है। रिश्ते सिर्फ खूबसूरत चेहरों से नहीं चलते, आपको तो बस मौका मिल जाए शुरू हो जाया करें आप। फिर जैसे ही सही, जैसे भी सही, मगर जमान की शादी होगी महिमा से। अब हीरो तो हमारा वो है ना, मीर शाह, पता नहीं ऐसी मीर शाह ऐसे ही कुछ उसका नाम है, नाम ही नहीं याद चल लो जी। लेकिन हीरोइन कौन है ये नहीं पता। हेलो, हाँ कैसा है तू और किधर गायब है? बेवफा हो गया तू जर्मनी जाके, मेरे प्यार को भूल गया है और कब से मैं कॉल कर रहा हूँ तुझे। अरमान ने छूटते साथ ही गिले शिकवे शुरू कर दिया। बस कर, ज़्यादा मस्करी करने की ज़रूरत नहीं है, कल से कुछ तबीयत ठीक नहीं और पिछले दिनों बस पेपर्स की वजह से काफ़ी मसरूफियत रही, इसलिए किसी से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सका। अब तो लास्ट सेमेस्टर भी एंड हो गया, अब जल्दी से वापस आ जाए पाकिस्तान, दादा जान पूछ रहे थे तुम्हारा, इनसे बात कर लेना, बस एक दो काम हैं इसके बाद वापस ही आना यार। अच्छा मीर भाई, जारून या मुराद से कनेक्ट हुआ तुम्हारा तेरा आज या कल? अरमान ने पूछा। नहीं यार, लेकिन तू क्यों पूछ रहा? वो इसलिए कि एक धमाकेदार न्यूज़ है मेरे पास, तू सुनेगा तो यकीन ही करेगा। अरमान ने फुल सस्पेंस क्रिएट किया। बक भी दे अब, अहान साथ साथ अपने लिए कॉफ़ी भी बना रहा था। गैस वॉट, कल जमान भाई का निकाह था। रेली, जमान मान कैसे गया शादी के लिए? और वैसे भी वो तो ज़रा और टाइप का बंदा है, वाकई हैरानी हो रही है मुझे, अब तो बहुत बदल गए हैं भाई, इसलिए तो इनकी शादी करवाई है, बाकी महिमा भाभी इन्हें सीधा कर लेंगी। वो हंसा, जबकि अहान को लगा इसे हंसने में सुनने में गलती हुई है शायद, या वो ये सुनना नहीं चाहता था। मग हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा, वो साकित सा खाली हाथ खड़ा रह गया। अहान भाई, आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो, अरमान बोलता रहा मगर वो होश में होता तो सुनता। फल्ला, ये मतलब क्या है? अहान, अरमान, जमान, जहान, वो मीर, उसको मीर ही बुला लेते हैं, शाह मीर ऐसे ही कुछ है, मीर शाह या फिर मीर बस है ना, और मुराद भी है कोई आई थिंक। तो अभी जो बात करें वो अहान और अरमान है, आई थिंक अहान महिमा को पसंद करता था और दरमियान में जमान आ गया, शाबाश। सांस जैसे रुक गई थी, कमरे में एकदम ऑक्सीजन की मकदार कम पड़ने लगी, इसका दम घुटने लगा था, दिल हर चीज़ से उकताया, यहाँ तक के धड़कने से भी। वो गाड़ी की चाबी उठाया बाहर भागा, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ फरार चाहता था, दिलो दिमाग में छिड़ चुकी जंग से, इसे बेइंतहा अजियत से, अपने जज्बात से, ख्यालात और खुद अपने आप से भी। इंतहाई रश ड्राइविंग करते वो जाने किस मंजर की तरफ रवाना था, कितना भागा था वो, कितनी कोशिश की इसने भूलने की, चार साल से वो सबके इसरार के बावजूद भी हवेली नहीं गया था, सिर्फ इसलिए कि इस दुश्मन ने जान से तसादम ना हो। वो बार बार अपने आप को अजियत में नहीं डालना चाहता था, मुश्किल ही तो वो ख्वाबों की गिरचियाँ समेट पाया था, आज वो नए सिरों से अजियत का शिकार था, तकलीफ ही ऐसी कि नसें फटने को थी। जिसे इसने कभी ख्यालों में भी छूने की गुस्ताखी ना की थी, वो आज पूरी पूरी किसी और की बना दी गई थी। गुस्से से इसकी गर्दन और माथे की रगें तन चुकी थी, आँखें जब्त करते करते भी नमी खींच लाई। अपनी इस अजियत की वजह भी तो वो खुद ही बना था, इसका दिल इस अनजान लड़की से जा मिला था, जिसके लिए शायद इसका ना होना भी कोई मायने नहीं रखता था, मगर क्या करें, जो एक बार दिल में बस जाए निकलता ही नहीं। कुछ वक्त के लिए इसे ख्यालों से झटक तो देता था, मगर लाख कोशिश के बावजूद वो दिल से उतरी नहीं थी। वो किसी हारे हुए जुहारी की माने सड़क पर बैठता चला गया, हर चीज़ से बेखबर, बस एक ही आवाज़ समातों को लहूलहान कर रही थी। अहान, गेस्ट वोट, आज जमान भाई का निकाह था, जमान भाई का निकाह था, जमान भाई का निकाह था। रात के साए गहरे होते गए, जब वो थक हार कर वो गाड़ी के साथ टेल लगा कर बैठ गया, दिल का दर्द हद से ज़्यादा था। चार साल से वो हवेली से बाहर था, बहुत बार सबने कहा कि चक्कर लगा लें, मगर वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। बहुत मुश्किल से दिल काबू किया था, वो तो दोबारा वहाँ जाकर अपने और इसके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। हवेली में कोई भी इवेंट होता वो सब कभी वीडियो कॉल कर लेते, कभी जारून मुराद और अरमान में से कोई पिक्स सेंड कर देता। हवेली वालों ने इसे कभी एहसास नहीं दिलाया कि वो इनका फैमिली मेंबर नहीं, बल्कि मगर वक्त के साथ साथ जब इसे एहसास हुआ इनके ख़ानदान के मुकाम और अपनी हैसियत का, वो बहुत ही
आई थिंक वो ही बहुत तक हद तक कभी आना रिजर्व हो गया था, खासकर ख़वातीन है मामले में, इसने ख़वातीन के मामले में। इसने हवेली में भी निस्बतन अलग थलग सा कमरा मुंतखब किया जिसका एक दरवाज़ा पिछले लोन में भी खुलता था और वो ज़्यादातर वही दरवाज़ा इस्तेमाल करता था। फिर वो पढ़ाई के लिए जर्मनी आ गया और चार साल से वो सिर्फ इनसे टेलीफोन के ज़रिए रबते में था। आंसू चुपचाप गालों को भिगोने लगे। काश वो इस वक्त को मोड़ कर वापस ला सकता जब वो दिल की मकीन बनी थी, या वो अपनी और इसकी हैसियत के फ़र्क से ही आशना होता। लड़कपन की मोहब्बत आज भी इस तरह शादोबाद थी, साला साल की दूरी से भी इसमें कोई कमी ना आती थी बल्कि बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती गई। बहुत बरकत है तेरे इश्क में, जब से हुआ है बढ़ता ही जा रहा है। वाह, गलत होने के बावजूद भी हमने शेड पढ़ लिया, एक मरतबा स्क्रीन पे देख के सर। वो इस कदर जाज़बे नज़र था कि लड़कियां इसकी जानब शायद की मक्खियों की तरह खींचती चली जाती थी। इसकी टॉल हाइट, बॉडी लुक, शार्प जलाइन पर ब्लैक बियर्ड इसे और पुरकशिश बना रही थी। इसकी आई थिंक स्याह आँखें जब सुर्खी माइल हो चुकी थी, वह अपनी यूनिवर्सिटी में जाने कितनी एशियन, जर्मन, तुर्किश, अरबन और इंग्लिश लड़कियों का क्रश था, मतलब सारी। पर वो ना खुद किसी का बन पाया और ना किसी को अपना बना पाया। ओके जी, ये माजी है। जमान उठ जाएं, मेहमान ने डरते डरते आवाज़ दी। हालांकि वो जानती थी इसे सुकून तब सिर्फ तब तक हासिल है जब तक वो सोया हुआ है या फिर हवेली से बाहर हो। वो नहीं जानती थी कि इससे ऐसी कौन सी खता सरजद हुई थी जो जमान जैसा हम सफ़र मिला था इसे। आँख खुली तो माँ बाप के साय से महरूम रही, रब की रज़ा पर शाक कर रही, बीजानी से बहलाती कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो इसका शहज़ादा इसे लेने आएगा। मगर यहाँ शहज़ादे की जगह एक बहरूपी से वास्ता पड़ गया था इसका, जो जब दिल करता इसे और इसकी नस्वानियत को रोन डालता। अच्छाई का वो ड्रामा निकाह के बोलों के साथ ही ख़त्म हो चुका था। सब जान गए थे मगर अब क्या कर सकते थे सवाए इस जानवर को लन तन करने के। सबने कितना समझाया था महिमा को, मगर जाने क्यों सब जानते हुए भी इसने इस खाई में छलांग लगाई। जमान की वही रूटीन शुरू हो गई थी, घर से बाहर आना, शराब पीना, बाजारी औरतों के पास जाना और आवारा गर्दी करना। वो शाह वली पर एक बदनवा धब्बा था। शादी को वो 2 माह हो चुके थे मगर इसके रवैये में कोई बदलाव ना आया। महिमा की मनमोहनी सूरत, इसका सलीका, इसका धीमा लहजा कुछ भी मुतासर ना कर पाया इसे, जबकि महिमा पहले से भी ज़्यादा खामोश हो चुकी थी। सबकी उठती सवालियाँ नज़रों का इसके पास कोई जवाब ना था। जारून का बस नहीं चल रहा था कि वह जमान शाह को जान से मार दें। महिमा ने सबको यह कहकर खामोश करवा दिया कि वह अपने मुकद्दर के लिखे पर राजी है, इसे किसी से कोई गिला नहीं। अगर मेरे रब ने चाहा तो मेरी इस आजमाइश को मेरे लिए सहल कर देगा। पता है खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सब इस छोटी सी लड़की की इस कदर समझदारी और सब्र देख जमान की बदकिस्मती पर अफसोस ही कर सकते थे। कैसा अनमोल हीरा रोल रहा था अपनी बदखसलती के बायस, और इसे एहसास रखना था कि वो क्या गंवा रहा है। वो सबको तो चुप करवा चुकी थी मगर खुद अंदर से हिम्मत हारती जा रही थी। वो कमरा इसके लिए जिंदान जैसा था। जमान ने इसकी रूह तक को लहूलहान कर दिया था। नशे में वो बीवी और तवाइफ का फ़र्क अक्सर भूल जाता था। वो अपने हर अमल से इसे अजियत पहुंचाता। बाजारी जुमले इसकी समातों को छलनी करते थे मगर वो धुत नशे में अपनी ज़रूरत पूरी करता और करवट बदल के सो जाता, जबकि बाकिया तमाम रात महिमा की रोकर गुजरती। जाने कितनी रातें, कितने दिन हो गए थे इसे जमान की बर्बरियत का शिकार होते, अब तो इसने हिसाब रखना भी छोड़ दिया था। वो ख्यालों में उलझी बेड के पास ही खड़ी थी जब वो दरिंदा बेदार हुआ। साइड पर हटो, इसने महिमा को साइड पर हटने को कहा, मगर वो अपने दुखों और खसारों को शुमार करती जाने कहाँ खोई हुई थी कि सुन ना सकी। तभी इसने बेदर्दी से इसे परे धक्का दिया कि वो बुरी तरह फर्श पर गिरी। अभी संभली ना थी कि इस जालिम ने बालों से पकड़कर इसे अपने सामने खड़ा किया। किसके ख्यालों में गुम हो के शोहर की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही मैडम को। अपने रंगीन ख्यालों को जरा देर के लिए साइड पर रख के कपड़े निकाल मेरे, फिर आराम से खोई रहना यार के ख्यालों में। वो एक पल में इसके किरदार को तार तार करता बात लेने चला गया। फिटे मुँह तेरे, जब वो आंसू पहुँच कर इसके कपड़े निकालने लगी। अब किरदारों की समझ लग गई है ना, मतलब जो यंग जनरेशन है उनकी लगनी थी। आई थिंक ये माजी चल रहा है अभी। मीर अभी हवेली आया ही था कि कासम शाह का बुलावा आ गया। वो शावर लेकर सीधा इनके कमरे में हाजिर हुआ। आपने बुलाया था? हाँ बैठो, बात करनी तुमसे। क्या इरादे हैं साहबजादे के? शादी की उम्र निकल जाएगी तुम्हारे साथ के लड़के बाल बच्चों वाले हो चुके हैं। बरखुरदार कासम शाह सीधा मुद्दे पर आए थे। आपने मुझे ये बताने के लिए बुलाया था, इसने लापरवाही से कहा। मीर, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करो बेटा, ऐसे अकेले ज़िंदगी नहीं गुजरती, उन्होंने समझाने की कोशिश की, क्योंकि एक मरहला था मीर शाह को किसी बात के लिए कायल करना भी। लेकिन मेरी तो गुजर रही है और बहुत अच्छी गुजर रही है, आगे भी गुजर जाएगी, आप फिक्रमंद मत हुआ करें मेरे लिए।
क्यों इतने कड़वे, इतने शिद्दत पसंद हो गए हो मीर? कभी तो नॉर्मल बिहेव किया करो। ऐसे लगता है जैसे कोई रोबोट हो, कोई तासुर नहीं उभरता तुम्हारे चेहरे पर। कैसे फिक्रमंद ना हूँ मैं मीर, जवानी तो गुजर जाएगी मगर जब इंसान बुढ़ापे को पहुँचता है तो सबसे ज़्यादा इसे शरीक हयात की कमी महसूस होती है। हम आज हैं कल नहीं, कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? अपनी बीवी बच्चे होंगे तो हम सुकून से मर तो सकेंगे। अब आप सीधा सीधा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो भी इन्हीं का बोता था। वाकई ऐसा ही होता है, जो भी समझो, मगर हमने कह दिया खुद कोई लड़की देख लो, नहीं तो हम खुद पसंद कर लेंगे कोई। बहुत हुए तुम्हारे नखरे। और हाँ, अहान कब आ रहा है? अब तो पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी है इसकी, तो अब क्यों टाल मटोल कर रहा है? वापस बुलाओ उसे। कितना सर चढ़ा लिया है तुमने, सॉरी हमने तुम सबको। काजम शाह भरम हुए थे। अच्छा आप रिलैक्स रहें, आ जाएगा अहान भी। और शादी को अभी पोस्ट, आई थिंक पोस्टपोन कर दे कुछ टाइम के लिए, मैं खुद बताऊंगा जब करनी हुई। कमरे में आकर इसने हान को कॉल मिलाई मगर फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। इसे तेज आया तो एक मैसेज किया वार्निंग और कुछ मुअज्ज़ज़ गालियों के साथ। मुअज्ज़ज़ और गालियां, राइटर खुद ही हंस पड़ी है। मीर जानता था कि सर मान बता चुका है जमान की शादी के बारे में, इसलिए वो डिस्टर्ब होगा। तो मीर ने भी इसे टाइम दिया संभलने के लिए, मगर 2 महीने गुजर जाने के बाद भी वो बहाने बना रहा था और ये बात मीर को भी परेशान कर रही थी। अब अहान की तरफ से कोई मैसेज, सॉरी जवाब मौसूल न होने पर मीर ने इसे गालियों से नवाजते एक और मैसेज किया। अहान जर्मनी कोई मार्क्स पर वाह क्या नहीं है कि मैं वहाँ पहुँच नहीं सकूँगा या तू मुझसे बच जाएगा? अगर तू 2 दिन के अंदर अपना बोरिया बिस्तर समेट कर पाकिस्तान ना पहुँचा तो मैं तेरे पास आने पर मजबूर हो जाऊँगा, और अगर मैं आया तो तू जानता है, इसलिए सिर्फ 2 दिन, माइंड इट। वो जानता था कि इसके बाद इसे हान को कहना दोबारा नहीं पड़ेगा, इसलिए सुकून से सिगरेट सुलगाते बालकनी में जा खड़ा हुआ। मुराद बेटा, शादी के बारे में क्या प्लान है? अब तो मंगनी को 5 साल हो गए हैं। उफ, एक तो ये दादा बैठ के सबकी शादी करवाई जा रहा है। मैं अब और इंतज़ार हरगिज़ नहीं करने वाली, तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है बेटा और ट्रेनिंग के बाद खैर से जॉब भी शुरू हो जाएगी। हालांकि दराब शाह की ख्वाहिश थी कि वो इनके साथ बिजनेस देखता, मगर मीर ने अपने साथ साथ इन सबको भी इसी लाइन में लगा लिया था। पहले जारून ने पुलिस लाइन ज्वाइन की, अब मुराद भी इनके नक्शे कदम पर इसी लाइन में आ गया था। और तो और अहान साहब भी पाकिस्तान आकर CSS करके इस ऐसा ही कुछ इरादा किए हुए था। तो अब क्यों लटका रहे हो मेरी प्यारी मामा जान ने? ये बैठे बैठाए बहू लाने का शौक कहाँ से चढ़ा लिया है? बुलार से शहाना बेगम के गले में बाहें डाले मुस्कुराया। शौक क्यों नहीं होगा मीर, सॉरी मेरा एक ही तो बेटा है, मैं बहुत धूमधाम से इसके सर पर सहरा सजाऊंगी। इसके ओके वेट वेट, इधर से गलत लिखा हुआ है। ओके, आप अपने सारे शौक पूरे कर लीजिएगा मगर अभी थोड़ा सब्र करें। आपकी बहू साहिबा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ले। अरे तो क्या वो शादी के बाद पढ़ती रहे? कौन सा किसी ने पाबंदी लगानी? घर की बात है बेटा, बेशक घर की बात है मगर शादी के बाद थोड़ा टफ हो जाएगा ना इसके लिए, और वैसे भी मैं कौन सा बूढ़ा हुआ जा रहा हूँ अभी। अच्छा चलो ठीक है, जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा और सही। यह हुई ना मेरी प्यारी मामा जान वाली बात, अब अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से चाय पिला दे, बहुत थक गया हूँ, शावर ले लूँ जब तक। नेवी ब्लू सूट पहने वो ऊंचा लंबा शानदार सा मर्द एयरपोर्ट पर खड़ा आने जाने वालों की त्वचा का मरकज बना हुआ था, खासकर लड़कियों की। आंखों पर सन ग्लासेस लगाए वो आसपास से बेनियाज अपने स्मार्टफोन पर मसरूफ था। कितनी हसीनाओं की नज़रें उठी तो पलटना भूल की। एक दो को तो इसने बाकायदा घूरा था, जिस पर वो बजाय शर्मिंदा होने के ढिठाई का मुशायरा करते हुए मुस्कुरा कर हाथ हिला के इसने कोफत से नज़रों का ज़ाविया मोड़ा और फिर इसे हसरत से तकती लड़कियों ने इस मगरूर शहजादे को मुस्कुराते हुए देखा। My God, his smile damn killer। एक सर फिर बोल्ड सी लड़की ने बुलंद आवाज़ में कमेंट पास किया, जिस पर इसने ग्लासेस उतार कर इसे देखा। जाने क्या था इसकी नज़रों में कि वो खिसियानी हंसी हंसती रफू चक्कर हुई। मीर ने पुरजोश होते आगे बढ़कर अहान को गले लगाया। कैसा है मेरा शेर, इसने अहान को सीने में पीछते हुए पूछा। ब्रो मैं ठीक हूँ, प्लीज़ सांस तो आने दें, इतनी ज़ोर के कौन गले मिलता है, मुझे तो अपनी भाभी पर तरस आ रहा है। अहान इसे छेड़ा तो मीर ने मखसूस घूरी से नवाजा। आते ही बकवास शुरू होगी तुम्हारी, चलो जल्दी सब इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से, बाकी बातें रात को करेंगे बैठ के। ब्रो हम अभी हवेली जाएंगे, अहान ने चकचाते हुए पूछा। क्यों तुम कहीं और जाना चाहते हो क्या? मीर का लहजा यकदम बदला। नहीं मैं सोच रहा था फार्म हाउस रुक जाता, कल मिल लेता सबसे। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो मीर से कैसे कहे कि वो इन सबके अफोर्ड करने और खासकर मीर की धमकी अमेज मैसेज पर आ तो गया था, मगर हवेली जाना मतलब इस दुश्मन जान से आमना सामना। अभी वो इसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी सबके। अहान मर्द हालात से भागा नहीं करते, इनका मुकाबला करते हैं। मीर ने तनबीहा लहजे में सारी बात करती थी, जबकि अहान को लगा एयरपोर्ट की छत इसके सर पर आन गिरी हो। मतलब मीर को पता है
ओह नो, मैं कैसे भूल गया कि वो मीर शाह है जो हर चीज़ पर बाज की सी नज़र रखता है। कोई चीज़ इससे कब छुपी रहती है? आहान को एकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो क्या सोचता होगा जिसको उन्होंने घर में रखा, वो इनके घर की इज्जत। शट अप आहान ने बेचैनी से माथा मसला। हाँ, ना दिल किसी के बस में है और ना तकदीर पर किसी का अख्तियार है। वो इशारा इससे सारी बात समझा के आगे बढ़ा तो वो भी भूचड़ कदमों से चल पड़ा। जैसे जैसे हवेली करीब आ रही थी, हान की धड़कने मध्यम होती जा रही थी। वो बार बार माथे पर नमदार होते पसीने की ननी ननी बूंदों को साफ कर रहा था। प्लीज़, अगर हमारे दूसरे चैनल में से कोई है इधर तो प्लीज़, अब हम किसका वास्ता आप लोगों को दें? हमने कहा भी है कि माई गर्ल नहीं आया, माई गर्ल का सीज़न 2 नहीं आया, कहाँ से अपलोड करें हम उसे? हम अपने पास से तो स्टोरी नहीं लिख सकते ना, राइटर ने नहीं लिखी। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही आप लोगों को? छोटी सी तो बात है फिर भी माइकल का सीज़न 2 कहाँ से करें अपलोड? मीर इसकी हालत से वाकिफ था इसलिए खामोशी से ड्राइव करता रहा। ओके जी, जैसे ही गाड़ी हवेली के गेट के सामने रुकी, हान को लगा कि इसका दिल भी रुक गया है। वो भाग जाना चाहता था, कहीं गायब हो जाना चाहता था यहाँ से। मुर्दा कदमों से वो अंदर दाखिल हुआ, सब वैसा ही था। इर्द गिर्द देखते हुए बचपन के कितने ही मंजर आंखों के सामने घूमने बेट पहले देख ले मासी है वही चला आ रहा है घूमते जब वो सब साथ खेलते थे, जब वो अनजान थे जात पात के फ़र्क से, मालिक नौकर के रिश्ते से। वो वहीं खड़ा बचपन की हसीन यादों में खोया हुआ था। हान हान, देखो मेरे कपड़े गंदे कर दिए। जमान ने मिट्टी वाले हाथ लगा के वो लोन में बैठा अपने मैट्रिक के इम्तिहानों की तैयारी में मसरूफ था। जब वो नन्ही सी परी रोते इसके पास आई, रोने से इसकी बड़ी बड़ी आंखें गुलाबी गालों की हमरंग हो रही थी। वाइट फ्रॉक में ब्राउन बालों वाली गुड़िया बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही थी। हान ने इसे उठाकर गोद में बिठाया, आंसू साफ किए। मैं जमान को डांटूंगा कि इसने क्यों प्यारी सी महिमा को रुलाया। हाँ, तुम इसे मानना भी, इसने क्यों मेरी फ्रॉक गंदी की? इसने मासूमियत से बड़ी बड़ी आंखें पटपटाते हुए हुक्म जारी किया। ओके, मैं इसे एक लगाऊंगा कान के नीचे, बस अब रोना नहीं मेरी प्रिंसेस ने। ओके हाँ, बुलार से इसके गले में बाजू डाले इसकी थाई पर खड़ी थी। दैट्स माई गर्ल। आहान ने इसकी छोटी सी नाक दबाई तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। आहान, कहाँ खो गए हो यार, चलो अंदर। मीर ने इसके कंधे पर हाथ रखकर बुलाया तो वो गायब धमाकी से आगे बढ़ा। सबने इसका वाहलाना इस्तकबाल किया। बीजान तो इसे उठने ही नहीं दे रही थी अपने पास से। अरे भई, बच्चे को कमरे में जाने दो, फ्रेश हो जाने दो, लंबे सफ़र से आया है, थोड़ा रेस्ट कर लेने दो, अब कहीं नहीं जाता, जीबर के पास बिठा लेना। कासम शाह ने रहीला बेगम को तसल्ली दी। जाओ बच्चिया, आराम करो अपने कमरे में जाके। अरमान को जैसे ही पता चला आहान आ गया है, वो सब काम छोड़कर भागा चला आया था। अरमान जानता था वो अपने कमरे में ही होगा, इसलिए लॉन वाले दरवाजे से ही इसके कमरे में दाखिल हुआ। वो सीक्रेट हाथ में दबाए विंडो के पास खड़ा था। मेरा पिया घर आया। ओह अल्लाह, ये अरमान लगता है वैसा ही है शरारती सा। मेरा पिया घर आया, अरमान आते ही शुरू हो गया था। आहान बिना रुख मोड़े मुस्कुराया जब वो पीछे से इसके गले लगा। आहान, तुम्हें पता तुम्हारे बगैर मैंने ये 4.5 साल कैसे गुजारे हैं? तुम कभी नहीं समझ सकोगे आहान को तुम्हारी जुदाई ने मुझे कितना तड़पाया है। अरमान ने अपने नादीदा आंसू साफ किए। आहान, मुझे तो तेरी इज्जत खतरे में लग रही है, आज जारून ने इसे खबरदार किया। बकवास बंद करो तुम दोनों, शर्म क्या बेच खाई है तुम दोनों ने? आहान ने मुस्कुराहट दबाते हुए इन्हें घूरा। शर्म को तो खुद जारून से शर्म आती है, अरमान ने जले दिल के फफोले फोड़े। डूब के मर क्यों नहीं गए तुम दोनों मेरे आने से पहले? आहान ना चाहते हुए मुस्कुरा पड़ा। जहाँ जमान इतनी बदतमीज़ और सड़ियल था, वहीं अरमान इंतहाई खुश अखलाक और जिंदा दिल था। बस इसका ठरक आहान पर ही निकलता था। वो MBBS के लास्ट ईयर में था और अपने गांव में ही काम करना चाहता था। इसकी ख्वाहिश को देखते हुए काजम शाह ने तभी हॉस्पिटल बनवाना शुरू कर दिया था जब तकरीबन मुकम्मल था, बस कुछ मशीनरी बाहर से मंगवानी थी। वो तीनों खुशगप्पियों में मशरूफ़ थे जब नूरा खाने का पैगाम लाई थी। वो सब शराफत से उठ खड़े हुए। वो अरमान की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था तब सामने नज़र उठी तो उठी रह गई। येलो कलर के सूट में मलबूस वो डिश हाथ में पकड़े किचन से निकली। आहान की तरफ इसका ध्यान नहीं गया था जबकि आहान परेशान सा वहीं खड़ा था। पीले रंग के सूट में इसका अपना रंग भी जर्द लग रहा था। रंगत की वो शदाबियाँ गुलाबियाँ जाने कहाँ जा सोई थी। शादी के 2 माह बाद भी इसकी इस कदर अबतर हालत ने इसे और बेचैन किया था। क्या वो खुश नहीं थी जमान के साथ? जाने कितने सवालों ने सर उठाया। आहान किधर गुम हो गए? अरमान ने इसे वहीं जमे देख कर पुकारा तो वो खामोशी से अरमान के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। जमान नशे में झूलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। रात के 2 बज रहे थे। वो जो इंतज़ार करते करते सो गई थी, इसने आगे बढ़कर बाजू से पकड़ कर उठाया। सबके सामने हमदर्दियाँ बटोरने को नेक फरमाबरदार बनी रहती हो, अब किधर है तुम्हारी फरमाबरदारी? कुछ सिखाया नहीं किसी ने तुम्हें कि शोहर घर आए तो इसका इस्तकबाल कैसे करते हैं? दफा हो जाओ, खाना लाओ मेरे लिए, वो चीखा। महिमा सहम कर दीवार से जा लगी। अभी तक यही खड़ी हो तुम?
वो इसकी तरफ बढ़ा। माहिमा जल्दी से बाहर भागी जब सब अपने अपने कमरों में दुबके सो रहे थे और वो आंसू बहा के अपने नाम नहाद शोहर के लिए खाना गर्म कर रही थी। जब भी कोई किचन में दाखिल हुआ माहिमा ने जल्दी से आंखें साफ की, मुड़कर देखा तो हान वहीं दरवाजे में अस्तिता था। माहिमा को हैरत हुई, वो इस वक्त जाग रहा था। फिर इसने जल्दी से पूछा, जी कुछ चाहिए था आपको? क्योंकि अगर जमान वहाँ आ जाता तो एक लम्हा लगाता अपने जहन की गंदगी दिखाने में। कॉफ़ी बनाने आया था, आप कल ले, मैं बाद में बना लूँगा, वो कहकर मुड़ा। आप रो रही थी, फिर अचानक रुक कर जाने क्यों, इसने पूछ लिया। नहीं तो वो दरअसल मुझे फ्लू हुआ है, शायद इसलिए आपको लगा होगा, वो साफ मुकर गई क्योंकि वह किसी के सामने भी अपनी तकलीफ़ों को आशकार नहीं करना चाहती थी। वो मजीद कुछ कहे बिना वहाँ से हट गया। वो जानता था कि वह झूठ बोल रही है, भला इससे किसी कैसे गलती हो सकती है इन आंखों को पहचानने में। उफ़ल्ला, वो खाना हमें वो लड़का फिर से याद आ गया, मुलाहम साथ, लगता है हमें वो कुछ ज़्यादा याद आने लग पड़ा है। उसके डायलॉग और उसकी डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज वगैरह काफ़ी अमेजिंग थी। वो खाना गर्म करके लाई तो वो बेड पर जूतों समेत लेटा हुआ था। माहिमा ने आगे बढ़कर इसके जूते उतारे। खाना खा लें, इसने डरते डरते पूछा, क्योंकि इसके मूड का कुछ पता नहीं कब बिगड़ जाए। नहीं खाना, तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखकर ही पेट भर गया मेरा, इधर आओ, इसने हाथ के इशारे से इसे करीब बुलाया। माहिमा खौफ से पीली पड़ी। नहीं, तुम्हारी शक्ल तो बहुत प्यारी है। एक पल में इसका अंदाज बदला, छटके से इसे अपने ऊपर गिराया। माहिमा ने शिद्दत से दुआ की कि काश वो कहीं गायब हो जाए। चलो और नज़दीक से देखते हैं तुम्हारी खूबसूरती को। नहीं प्लीज़, माहिमा ने हाथ छुड़ाकर उठना चाहा मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी, वो फड़फड़ा कर रहेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा हाथ छटकोगी तुम? जमान के भारी हाथ का थप्पड़ इसकी गाल पर अपनी छाप छोड़ गया। माहिमा को अपने मुंह में खून का जायका घुलता हुआ महसूस हुआ। इसने भरपूर मजामत की जिस पर इसने मुकम्मल वहशी बनते इसकी गर्दन पर अपने दांतों से जगह जगह काटा। वो फूट फूट कर रोई। इस कदर तजलील, इतनी जिल्लत थी इसके मुकद्दर में। जब पता है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला तुम्हारे इस तरह के ड्रामों से, तो क्यों हर बार थकाती हो? कुछ नया तो नहीं हो रहा आज? जमान ने अपने हर हर अमल से इसे तकलीफ पहुँचाई और दिल भर गया तो इसे धक्का देकर नीचे फेंक दिया और खुद सो गया। जबकि माहिमा ने वो रात भी गुजरी रातों की तरह सिसकते हुए गुजारी। वक्त पंख लगा कर गुजर गया। अहान ने CSS के इम्तिहान में टॉप करके असिस्टेंट कमिश्नर की सीट संभाली। इसके अहदे के मुताबिक इसको शानदार सा घर, गाड़ी, गार्ड्स और बहुत सी सहूलियात फराहम की गई और वो चाहता भी यही था। वहाँ शिफ्ट होना मुश्किल था। एक जगह जहाँ आपको इतना प्यार मिला हो, जहाँ आपका सारा वक्त गुजरा हो, इसे छोड़ना, मगर अब इसे ये करना ही था। लेकिन इसके इरादों पर पानी फेरा काजम शाह ने, यह कहकर के मेरे मरने के बाद जिसको जहाँ जाना होगा चला जाए, मगर वो अपनी ज़िंदगी में तो किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे, सो इनका हुक्म कौन टाल सकता है भला? जबकि शादी के नाम से वो मीर की तरह 100 मील दूर भागता था। मुराद शाह एज SP अपने फ्राइज सर अंजाम दे रहा था और अब घर में इसकी शादी की बातें वक्फे वक्फे से की जा रही थी, क्योंकि इरा का ग्रेजुएशन के पेपर 3 माह बाद थे और इसके बाद इरा और मुराद की शादी घर वाले तकरीबन फाइनल कर चुके थे। ओके जी, ठीक हो गया, क्लियर हो रहा है हाल। सर, दो नकाबपोश खवातीन अभी अभी लड़की को लेकर क्लिनिक में दाखिल हुई हैं। वो अपने ऑफिस में बैठा काम में मसरूफ था जब इसके डिपार्टमेंट के एक बंदे की कॉल आई, जिसके साथ ही सीक्रेट मिशन पर थे। इसका मतलब एक लंबे इंतज़ार के बाद ही सही दुश्मन जाल में फंस ही गया था। गुड, वेरी गुड, मेरे पहुँचने तक सारी डिटेल्स पता करो। सर, आपके ऑर्डर के मुताबिक अंदलीब अंदर ही है। ओके, मोहतात रहना, सब हर चीज़ पर नज़र रखो, शिकार हाथ से जाना नहीं चाहिए। यकीनन उनके साथ वो लोग भी होंगे। आसपास बैकडोर इस्तेमाल करना तुम लोग, वो इन्हें हदायत देते हुए ऑफिस से निकल चुका था। इसके आगे पीछे गार्ड्स और कुछ पुलिस अहलकारों की गाड़ियां थी। वो जिस पोस्ट पर था, इतना VIP प्रोटोकॉल वो डिज़र्व करता था। इसने अपनी जहानत से, अपनी चलाकी और बहादुरी से ये सब कमाया था। हेलो अंदलीप, क्या रिपोर्ट है? वो कान में लगे आले से अंदलीप से कॉन्टैक्ट में था, जबकि अब हाथ की उंगलियाँ तेज़ी से लैपटॉप पर चल रही थी। सर, एक कमसन लड़की को लाया गया है, सुसाइड केस है। साथ दो खवातीन हैं जिनमें से एक लड़की की माँ और दूसरी खुद को इसकी खाला बता रही है। वो बहुत रो रही हैं कि कुछ भी करके इनकी बच्ची को बचाया जाए। लड़की की कंडीशन कैसी है? सर, कंडीशन इतनी सीरियस नहीं है, क्योंकि कट इतना गहरा नहीं है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। अब तुम इन्हें बाहर जाके बताओ कि हालत बहुत सीरियस है, कुछ भी हो सकता है, लड़की की जान खतरे में है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, फिर किसी तरह इनका ध्यान बटाओ, बाकी फारूक देख लेगा। सर, प्लान चेंज है क्या? हाँ, अभी चेंज हुआ, क्योंकि तुमने जो सिचुएशन बताई है इससे जाहिर होता है कि वो लड़की बहुत अहम है इनके लिए, इसलिए मैं मेन फोकस इस पर रखो। यकीनन कुछ ना कुछ जानती होगी, मगर साथ आने वालियाँ भी जाने ना पाए, हर तरह से अलर्ट रहो। अंदलीप को इंस्ट्रक्शन देता वो अपने खुफिया डिपार्टमेंट पहुँचा
ओके सर जैसे आपको ठीक लगे। फिर एक घंटे बाद डॉक्टर की तरफ से ओके का सिग्नल मिला तो दिलीप ने फारूक को मैसेज किया और बाहर बेंच पर बैठी खवातीन की तरफ आई। सुने आपकी बेटी की कंडीशन नॉर्मल नहीं हो रही, आप ये कुछ मेडिसिन बाहर फार्मेसी से ले आएँ, हमारे पास मौजूद नहीं इस वक्त, दिलीप ने मसरूफ़ अंदाज में इन्हें कहा तो उन्होंने तजबजब से एक दूसरे को देखा क्योंकि वो हरगिज भी यहाँ से उठने के हक में ना थी। अगर लड़की को कुछ हो जाता या कोई और मसला हो जाता तो वो वापस आकर इनकी खाल उधेड़ देता। अरे आप लोग देख क्या रही हैं, जल्दी जाएँ, भाभी आप बैठे मैं लेकर आती हूँ। इसके जाने के 5-7 मिनट बाद दिलीप ने दूसरी औरत को मुखातिब किया कि आपकी बेटी को होश आ गया है, आए आकर मिल लें आप। वो जल्दी से उठकर दिलीप के साथ आगे बढ़ी कि कहीं वो लड़की कोई मसला ना खड़ा कर दे। वो जो ही अंदर दाखिल हुए दिलीप ने इतनी ही तेज़ी से इसके गर्दन में इंजेक्शन खोपा, 2 ही मिनट में वो ज़मीन पर ढेर हुई थी। दिलीप ने छुपकर इसका निकाब हटाया। माई गॉड सर आपका शक ठीक था, वो औरतें ही औरतों के भेस में मर्द हैं। फारूक को बोलो बैक डोर से लड़की को लेकर निकले वहाँ से, हम ज़्यादा देर इधर रुकने का रिस्क नहीं ले सकते, बाकी काम तुम लोग निपटा कर निकलो जैसे मैंने बोला था। ओके सर। फिर जैसे ही वो दूसरी औरत के भेस में मर्द मतलूबा मेडिसिन लिए वापस आई, दिलीप ने बहुत चलाकी से इसे भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया। इनके साथ ही लड़कों ने जल्दी से इन बेहोश पड़े मर्दों को बैक रोड से लाकर गाड़ी में डाला और गाड़ी सन से भगा ले गए। 2 मिनट गुजरे तो क्लिनिक एक जोरदार धमाके से उड़ा, जबकि थोड़ी दूर खड़े इनके आदमी मुँह खोले देख रहे थे कि ना कोई और अंदर गया ना बाहर आया, तो ये सब हुआ कैसे? इन्हें अपनी मौत भी सामने नज़र आ रही थी क्योंकि बॉस इन्हें भी नहीं छोड़ेगा। वो अपने अपार्टमेंट में इनका इंतज़ार कर रहा था। दिलीप ने इस लड़की को अंदर रूम में लटाया। कब तक होश आएगा इनको? इसने सामने पड़े आदमियों की तरफ इशारा किया। सर लाइट डोज दी गई है, 2 घंटे तक होश आ जाएगा। ओके ले जाओ इन्हें और डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर दो। वो फारूक को इंस्ट्रक्शन देते हुए दिलीप की तरफ घुमा। ये लड़की कब तक होश में आएगी? इसने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। सर सुबह तक ही ठीक से पता चल सकेगा, और मुझे इसकी कंडीशन को लेकर कुछ डाउट्स थे इसलिए इसके ब्लड सैंपल भी भिजवाए हैं, सुबह तक इनकी भी रिपोर्ट्स आ जाएगी। ओके आप इधर ही रुकेंगी, फारूक भी थोड़ी देर तक आ जाएगा, बाकी सुबह देखते हैं। फिर और कोई भी मसला हो मुझे कॉल करना पहले। ओके सर। वो चाबी उठाए बाहर निकला, गार्ड्स इसे कवर किए हुए थे। वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठा तो 4 गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ। सर हवेली जाएंगे? ड्राइवर ने इस्तफसार किया। इसने अपनी बेशकीमत घड़ी पर टाइम देखा। नहीं हम फार्म हाउस जाएंगे क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और सुबह भी काम की वजह से जल्दी जाना था। हालांकि वो सब जहां भी होते थे इन्हें हवेली पहुंचना होता था। हवेली शहर से कुछ ही फासले पर वाकया इनके भाई गांव में थी। मामा जान मुझे अपनी फ्रेंड की तरफ जाना है, एक्चुअली कुछ नोट्स लेने हैं, और आपको पता पिछले कुछ दिनों से मैं कॉलेज भी नहीं गई तबीयत की खराबी की वजह से, इसलिए लेने जाना है। इरहा ने रूसा बेगम को मनाने की कोशिश की। इरहा तुम जानती हो ना हवेली के असूल, फिर क्यों मुझे बार बार इम्तिहान में डालती हो? क्योंकि ये इनके बेचा लाड का नतीजा था कि पहले जमान और इरहा भी हद से ज़्यादा सिद्धि और खुदसर हो गई थी। मामा प्लीज़ आज लास्ट टाइम जाने दें, फिर तंग नहीं करूँगी। ओके मुराद घर पर है? घर पर ही होगा, सॉरी अभी इसे कहो ले जाएगा और इस तरह कोई इतराज़ भी नहीं करेगा। मामा फिर रहने दें आप हर वक्त मुराद, मुझे चिढ़ होने लगी है इस मुराद से। अब तो कैसा रूड और बोरिंग किस्म का बंदा है, हर वक्त रोक टोक करता रहता है। इरहा ये किस तरह बात कर रही हो तुम, बहुत जल्द शादी होने वाली है तुम्हारी इसके साथ। मामा मैं बिल्कुल भी इससे शादी नहीं करूँगी, बहुत नरमी से गोया हुई। बकवास बंद करो अपनी, तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, और जो भी खन्नास भरा है तुम्हारा तुम्हारे दिमाग में निकालो, इसको बेहतर होगा तुम्हारे लिए। नहीं जाना तो बैठो आराम से, मैं किसी को बोल के मंगवा दूँगी नोट्स। अरे मेरी प्यारी मामा आप हाइपर क्यों हो रही हैं, बीपी हाई हो जाएगा आपका, मैं चली जाती हूँ मुराद के साथ, इसने जल्दी से पैंतरा बदला। नूरा जी रहा बीबी, मुराद हवेली में है या चला गया? जी अभी तो हवेली में है, लेकिन जाना है उन्होंने कहीं, चाहे आई थिंक जाना है उन्होंने कहीं, चाहे का बोलकर अपने कमरे में गए हैं। अब देखना 100 सवाल पूछेगा, वो बड़बड़ाती ऊपर इसके कमरे की तरफ बढ़ी। इसका बस चले तो हवेली की तमाम औरतों को कहीं पर कैद कर दे खड़ूस कहीं का, और घर वाले चले हैं उम्र भर के लिए इसके पल्ले बांधने को। एक्सफोर्ड से पढ़कर भी ज़रा बदलाव नहीं आया, हर वक्त मिर्चे चबाए भरता है, फिरता है। मेरा क्या दिमाग ख़राब है जिससे शादी कर लूँ? वो मुंह बनाती दरवाजे के सामने खड़ी उंगलियां चटका रही थी। नचार इसने दस्तक दी मगर जवाब नहीं मिला। बहरा तो नहीं हो गया? वैसे तो इसको सरगोशियाँ भी सुनाई देती हैं, अब दरवाज़ा नोक हो रहा तो सुन नहीं रहा या वैसे ही भाव खा रहा है। आखिर कोई इरहा शाह बाकलम खुद चलकर जो आई थी बदतमीज़ के पास। इरहा कभी भी मराद से नहीं बनी थी, बचपन से वो मराद से खार खाती थी। वो बहुत ही पोजेसिव किस्म का बंदा था, वो अपने खिलौने भी सबसे छुपा के रखता था, जबकि इरहा ठहरी आज़ाद पंछी, जैसे कभी कभी वो हवेली के इस बंद माहौल से भाग जाना चाहती थी। इसने ख्यालों को झटकते हुए दरवाज़ा दोबारा दस्तक दी थी मगर कोई जवाब ना आया। अब इसे तैश आया कि चलो एक बार तो ना सुना होगा, मगर दूसरी बार भी इग्नोर कर दिया, मतलब इरहा शाह को इग्नोर कर दिया। भाई उसे क्या बता के बाहर इरहा शाह खड़ी है दिख रही थी।
वो गुस्से से नथने फुलाती अंदर आई, मगर वहाँ तो सिरे से कोई था ही नहीं। लो मैं कब से खाली कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। वैसे खड़ूस ने कमरा तो बड़ा सलीके से रखा हुआ है, जाहिर है हिटलर की चीज़ों को कौन सा कोई हाथ लगाता होगा। वह नज़र घुमाती बुलंद आवाज में तबसरे करने में मसरूफ थी। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मुड़ी तो सामने देखकर इसकी बेसाख्ता चीख निकली, क्योंकि वह बहुत खतरनाक तेवर लिए शर्टलेस खड़ा था। चल बेबी तू तो गई। वो कहते कि सर से सिंह की तरह वहाँ से गायब हुई, क्योंकि जानती थी अब क्लास पक्की थी इसकी। शुक्र है रहाई मिली। वो तैयार होकर नीचे आया। नूरा, इसने काम वाली को आवाज़ दी, वो चाय लेकर हाजिर हुई। वो वहीं लाउंज में बैठ के चाय पीने लगा जब अरूसा बेगम वहाँ आई। अरे बेटा गे नहीं, नहीं आई थिंक गे नहीं आना है तुम लोग अभी। और इरहा किधर है? इरहा को किधर जाना था? आई नहीं वो तुम्हारे पास, इसको अपनी दोस्त की तरफ जाना था, नोट्स लेने थे। मैंने बोला कि मुराद के साथ चली जाओ। जी मैं बस निकलने लगा हूँ, आप इरहा को भेज दें, बाहर वेट कराऊँ मैं। इरहा इरहा जल्दी आओ, मुराद वेट कर रहा है बेटा। वो बिल्कुल भी इसका सामना नहीं करना चाहती थी, मगर जाना भी ज़रूरी था। सब खामोशी से आके बैक सीट पर बैठी। मुराद का मूड पहले ही ख़राब था, इसकी सरकत पर मुसीबता हुआ है। मोहतरमा इरहा शाह साहिबा, क्या आप उठकर आगे आने की जहमत करेंगी, क्योंकि मैं मैडम का खादिम खास नहीं हूँ। वह चबा चबा के बोला। मजाल है कभी ये इंसान तमीज से बात करे, हमेशा तंज के तीर बरसाता रहता है। वो मुंह में बड़बड़ाई। आप मेरी बाकी की तारीफ इधर आके कर लें, ताकि मैं भी आपके कवाले जरिए से मुस्तफीद हो सकूं। हाय ये तो भिगो भिगो के मार रहा है। इरहा के सब्र का एंड हो रहा था इसकी चुपती हुई बातों से। वो खामोशी से पैसेंजर सीट पर आकर बैठी। पूछ सकता हूँ ये दोस्त की तरफ आना जाना बढ़ता क्यों जा रहा है? लो जी होगी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस वालों का ये बड़ा मसला। मगर वो ये सिर्फ सोच ही सकी थी। जी नोट्स लेने थे, इसने अटकते अटकते जवाब दिया जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। तो खुद जाना ज़रूरी था, बोल देती मैं ला देता। वो कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस भी करना था रोमैसा से। और थोड़ी देर पहले वाली हरकत के बारे में क्या जवाब देंगी आप? अखलाकियात किधर जा सोई हैं आपकी? यूँ किसी के कमरे में मुँह उठा के चले जाते हैं क्या? वो जिस बात से डर रही थी वही हुआ। जो इरहा की गलतियों को नज़रअंदाज कर दे वो मुराद शाह ही क्या, इसने दिल में सोचा। अगर तुम्हारी हर गलती को नज़रअंदाज कर दिया तो तुम्हें एहसास कैसे होगा अपनी गलतियों को? या खुदा ये तो पता था कि इसकी समाहत बहुत तेज़ है, मगर ये आज पता चला कि ये दिल की बातें भी सुन लेता है। कुछ पूछ रहा हूँ मैं इसे, खामोश देख के वो दोबारा इससे मुखातिब हुआ। मैंने दो बार दस्तक दी मगर कोई जवाब नहीं आया, तो मैं अंदर चली गई। और आपको भी तो शर्म आनी चाहिए ऐसे फिरते हुए। पहली बात, अगर कोई जवाब नहीं देगा तो क्या आप किसी के भी कमरे में चली जाएंगी? और दूसरी बात, मैं अपने कमरे में था, पूरी हवेली में ऐसे नहीं घूमता। सॉरी, इरहा ने हार मानी क्योंकि वो जानती थी कि वो मुराद शाह से बहस में जीत नहीं सकती। क्या सॉरी, अपनी हरकतों को दुरुस्त करो, लड़कियों को एहतियात करनी चाहिए, ज़रा सी लापरवाही से ये नाजुक आप गीने टूट जाते हैं। ओके एसपी मुराद शाह साहब, इरहा ने जान छुड़ाने को जल्दी कहा। मुराद ने तासुब से सर झटका। कितना टाइम लगेगा? इधर इसने गाड़ी रुमैसा के घर के सामने रोकी। घंटा लग जाएगा, मैं फ्री होकर हवेली फ़ोन कर दूंगी। ओके अगर कोई ना हुआ हवेली तो मुझे फ़ोन कर देना, आ जाऊंगा। ओके खुदा हाफिज़ कहते साथ वो बाहर निकली। मेरी शक्ल पर उल्लू लिखा हुआ है जो आपको बुलाऊंगी। वो बड़बड़ाते हुए घर के अंदर दाखिल हुई तो वो गाड़ी जन से भगा ले गया था। सुबह वो नाश्ते के बाद ही निकल गया था। क्या रिपोर्ट है? इसने अपने राइट हैंड फारूक से पूछा। सर अभी तो मुंह नहीं खोला मगर ज़्यादा देर मुजाहमत नहीं कर सकेंगे। और लड़की की क्या अपडेट है? इसने दिलीप से पूछा। सर इसने उठते ही शोर करना शुरू कर दिया था, इसके साथ सीरियस किस्म का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो जो दूसरी परेशान करने वाली बात सामने आई वो रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि वो काफ़ी अरसे से ड्रग्स ले रही है या इसे दिए जा रहे हैं। जिस तरह वो होश में आने के बाद रिएक्ट कर रही थी, इससे इसकी मेंटल कंडीशन का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है। शायद इसे बहुत बुरी तरह से मेंटली टॉर्चर किया जाता रहा हो। और इसने मज़ीद पूछा, फिज़िकली वो बिल्कुल फिट है मगर दिमागी लिहाज से वो बिल्कुल अब नॉर्मल ही हो चुकी है। और एक और बात सर, इसकी जितनी उम्र क्लिनिक में लिखवाई गई थी मुझे वो बिल्कुल गलत लगी, क्योंकि वो कहीं से भी 21 साल की नहीं लगती, बामुश्किल 17-18 की होगी। अंतलीप ने तमाम डिटेल्स इसे बताई। इसके वो कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे थे कि अंदर से फिर चीखने चलाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। अंतलीप अंदर गई तो वो हिजानती होती अपनी बैंडेज उतार रही थी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग, मैं जान से मार दूंगी सबको, हाथ नहीं लगाना मुझे। वो किसी तरह भी अंतलीप के काबू में नहीं आ रही थी। इसकी कलाई से खून रसना शुरू हो गया था। सर सर प्लीज़ अंदर आएँ, पागल लड़की खुद को नुकसान पहुँचा रही है। अंतलीप की आवाज़ पर वो भाग कर आया था, वो खुद को नोच रही थी। मीर ने आगे बढ़कर इसका बाजू थाम कर रुख अपनी तरफ मोड़ा। खामोश, बिल्कुल खामोश, आवाज़ ना तुम्हारी ना आए, दिखाई नहीं, मीर ने किरचिदार आवाज़ में कहा। तो वह सहम कर दिलीप के साथ चिपक गई। आंसू तेजी से गालों को भिगोने लगे। बैंडेज चेंज करवा कर इसने दिलीप को कहा और उस पर नज़र डाली और डर के मारे आंखें जोर से बंद किए हुए थे। मीर जहाँ का तहाँ रह गया, बिल्कुल सुनहरे बारबी डोल जैसे बाल, दूधिया रंगत, छोटी सी नाक, गहरे गुलाबी होंठ और होंठ के कट से थोड़ा ऊपर स्याह थे। ये नहीं था कि इसने हसीन चेहरे नहीं देखे थे। हाँ हाँ हमें पता है
वो जिस खानदान का चश्मो चिराग था हुसैन इनके खानदान की मिरास था। वो खुद हसीन तरीन था, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस हर जगह वो लड़कियों का ड्रीम बॉय था। इसकी फैमिली में सब खुश रहते हैं, मगर वो तो जैसे अपने खानदान का मास्टरपीस था, मगर इसके दिल को आज तक कोई लड़की ना भाई थी। वो इसे एक टुक देखता गया, जब इसकी तरफ से कोई पेशरफत ना हुई तो इसने धीरे से आंखें खोली। मीर की नज़रों की तपिश ने इसे मजीद खौफजदा कर दिया। इसने हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो मीर होश की दुनिया में वापस आया। इसकी बड़ी बड़ी लाइट स्काई ब्लू आंखों में इतना खौफ था कि मीर पहली बार चौंका। ओके जी, अंदलीब बैंडेज और कुछ मेडिसिन लिए कमरे में दाखिल हुई तो वह तेज़ी से बाहर निकला। फारूक जी सर, चलो, कहते साथ ही वो बाहर निकला। फारूक इसके पीछे हो लिया। पूछने की हिम्मत इसने ना की क्योंकि इसके तासरात इतने खतरनाक थे कि फारूक को खौफ महसूस हुआ। अल्लाह खैर, आज किसकी मौत आई है मीर शाह के हाथों? इंतहाई रश ड्राइविंग करता वो सीक्रेट सेक्शन इंटर हुआ। किधर है वो दोनों? इसने पीछे आते फारूक से पूछा। सर, वो सेकंड लास्ट सेल में बंद है। ओके, तुम इधर ही रुको, पट्टी खोलो। इसने अंदर दाखिल होते ही ऑर्डर दिया। वो दोनों घुटनों के बल ज़मीन पर बैठे थे, हाथ पीछे बांधे हुए थे इनके। वो इंतहाई सर्द तासरात लिए इनके बिल्कुल सामने चेयर पर बैठा। तुम जाओ, इसने पास खड़े बंदे को इशारा किया। दो ऑप्शन है तुम दोनों के पास, ज़िंदगी या मौत, चूज़ कर लो। क्योंकि मेरी नेचर है कि मैं सामने वाले को पहले मौका ज़रूर देता हूँ कि वो अपने लिए जो बेहतर समझे सेलेक्ट करें। मार दो अगर हम तुम लोगों को कुछ नहीं बताएंगे, इनमें से एक बोला। मौत इतनी आसान तो हरगिज़ ना होगी तुम लोगों के लिए। इस रिलैक्स अंदाज में बैठते हुए सिगरेट सुलगाए। तुम जो भी कर लो, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे ऑफिसर, वो निडर होके बोले। ओके, तो पहले थोड़ा तारुफ हो जाए, शायद तुम लोगों का इरादा बदल जाए। तुम जो भी हो जान लो कि हमसे तुम्हें कोई फ़ायदा हासिल ना होगा। भाई, दाद देनी पड़ेगी तुम लोगों की वफादारी की, तो वो ठंडे ठाल लहजे में बोला। खैर, ना चीज़ को मीर शाह कहते हैं, बाय द वे नाम तो सुना होगा। इसने गहरा कश लेते हुए धुआं इनके मुंह पर छोड़ा तो खांसने लगे। पता नहीं ये धुएं की वजह से हुआ या इसके तारुफ की वजह से, जो भी था चेहरे की रंगत साफ बता रही थी कि वो पहचान चुके थे। शक तो इन्हें इसके ऑप्शन देने वाली बात पर ही हो गया था। ये मीर शाह की आदत थी कि वो खुद कुछ भी करने से पहले सामने वाले को मौका ज़रूर देता था। ज़्यादा बातें ना मैं करता हूँ ना सुनता हूँ, टू दी पॉइंट बात करते हैं। ऑप्शन चूज़ कर लो तुम दोनों, फिर इसी हिसाब से बात आगे बढ़ाते हैं। इन्हें मरने का कोई खौफ ना था, मगर सामने बैठा वो शख्स मौत भी ऐसी देता था कि मौत को भी खौफ आता था। तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, विंधाई खुश्क लहजे में बोलता दूसरी सिगरेट चला चुका था। क्या पूछना चाहते हो ऑफिसर, वो यक जबान होकर बोले। जिस लड़की को तुम लोग लेकर आए थे इसके बारे में जानना चाहता हूँ। हर बात छोटी से छोटी अगर गलत बयान की तो इंजाम की जिम्मेदारी मेरी नहीं। हम इस लड़की के बारे में जितना जानते हैं बता देते हैं, मगर इसके बाद तुम हमें जाने दोगे, इसकी क्या गारंटी है? मीशा का कह देना ही गारंटी है, वरना जानते हो ना तुम लोग। फिर जूं जो वो बोलते गए, कुर्सी के बाजू पर मीशा का दबाव बढ़ता गया। आंखें अंगारों की मारी दहकने लगी, जबड़े जबत से पींच गए थे। इन्हें जो भी मालूम था शराफत से बता दिया, क्योंकि अभी तो वो ऑप्शन दे रहा था, मगर इसके बाद वो इनसे इस लड़की और बॉस दोनों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन भी निकलवा लेता और जान से भी मार देता। अब हमें जाने दो ऑफिसर, अकबर इसने बाहर खड़े हलकार के हाथ एक नोट पैड मंगवा कर इस पर कुछ हरफ घसीटे, फिर तय करके इनकी तरफ बढ़ाया। अपने बोस तक पहुंचा देना अगर सलामती चाहते हो तो, क्योंकि मैंने तुम दोनों की खास सिफारिश की है। और हाँ, खोलने की गलती करोगे तो पछताओगे। सर, एक खबर है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो अभी भी शहर से लौटा था सर। वो जिस मैडम साहिबा पर आपने नज़र रखने का कहा था, वो अभी अभी घर से बाहर निकली हैं, वो भी अकेली। ज़बरदस्त, किधर है इस वक्त? इसकी आंखों की चमक एकदम बड़ी, जैसे शिकार को देखकर शिकारी की आंखें चमकने लगती हैं। सर, वो एक शॉपिंग मॉल में दाखिल हुई हैं अभी। गुड, जैसा मैं बोलूँ वैसा करते जाओ तुम, मैं अभी पहुँचता हूँ थोड़ी देर तक। ओके सर, वो जल्दी से जैकेट पहनता हुआ कमरे से बाहर निकला। आंधी तूफान बना सीढ़ियाँ उतरा, जब भी बीजान ने आवाज़ देकर रुका। वो जितनी भी जल्दी में था मगर बीजान की आवाज़ बात सुने बिना नहीं जा सकता था। अभी तो आए थे, फिर किधर को चल दिए? मेरी प्यारी बीजान, एक बहुत ज़रूरी काम है, बस थोड़ी देर तक वापस आ जाऊँगा, प्लीज़ अभी जाने दें। अब जाऊँ मैं? हाँ हाँ, पहले तो तुम मेरे कहने पर ही आते जाते हो ना। वो खफा हुई। चले नहीं जाता, इसने फरमाबरदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बस बस ये बताओ जा कहाँ रहे? शहर जा रहा हूँ, वो जल्दी से कहता निकलता चला गया। तुम बस इसका ध्यान बताओ, मैं रास्ते में ही हूँ। आई थिंक बताओ आने। अरे बेटा मेरी एक मदद करो, मेरी बेटी तुम्हारी हम उम्र है, कल इसकी सालगिरह है, मैं इसके लिए कोई तोहफा लेना चाहता हूँ, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ। पर अंकल, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, मैं कैसे सिलेक्ट करूँ? अरे बेटा, अपनी पसंद से ले दो कुछ भी, मुझे बूढ़े से तो बेहतर ही लोगी। ओके फाइन, आप आए मेरे साथ। वो अपने स्टाइलिश कट किए हुए बालों को झटकते हुए आगे बढ़ी। इसने काफ़ी चीज़ें दिखाई मगर वो कोई ना कोई बात करके वापस करवा देता। अब वो आजिज़ आ चुकी थी इस आदमी से, वो बस इसकी उम्र का लिहाज कर रही थी। अंकल, आपको वाकई कुछ लेना है या मेरा टाइम वेस्ट करें आप? वो अब स्विच होके बोली।
हाँ वाल अच्छा जा रहा है, अब कुछ समझ आने लग पड़ी है, ज़्यादा फोकस वो उन भाइयों पे है, बाकी जमान और महिमा कहाँ पे गए इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो पास्ट में थे आई थिंक, और ये अभी फ़िलहाल प्रेजेंट चल रहा है। उसके साथ ही जो एक मिस्टेक है जो हमें लगती है वो ये है कि अभी ये देखें करेक्टर आ जा रहे हैं ना, तो उनका नाम बहुत देर बाद लिया जा रहा है, मतलब एंड में या दरमियान में, मतलब उनके सीन के एंड में या दरमियान में लिया जा रहा है, जिससे पता नहीं चल रहा कि कौन से करेक्टर की बात हो रही है। अब इसमें पता नहीं किसके वाले की हो रही है। ओके बेटा जो ठीक लगे ले दो। वो आदमी अब साइड पर होके खड़ा हो गया था, क्योंकि वो इसका ध्यान बटा के काफ़ी टाइम वेस्ट करवा चुका था। इसने अपनी मर्ज़ी से दो चार चीज़ें लेकर इसे पकड़ाई कि वो काउंटर पर जाकर बिल पे करते और ख़ुद अपनी चीज़ें देखने में मसरूफ़ होगी। पहले से कुछ बुक्स लेनी थी तो वो बुक शेल्फ की जाने बढ़ी, फिर इसने अपने लिए बात पसंद की एक दो और चीज़ें लेकर वो बाहर निकली, जब किसी ने बाजू से पकड़ कर तो पूछा। वो हक्का बक्का ही तो रह गई थी सामने वाले की हिम्मत पर, जो यूँ दिन दिहाड़े इतने लोगों की मौजूदगी में इसका हाथ थामे खड़ा था। दिखने में किसी अच्छी फैमिली से लगता था, इसकी ड्रेसिंग, इसकी पर्सनैलिटी, बस चेहरा मास्क से कवर था। वह कहीं से भी कोई सड़क छाप गुंडा तो नहीं लग रहा था। वो इसका जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी जब भी वो इसे बाजू से पकड़े अपने साथ सीटें जा रहा था। ओ हेलो कौन हो भाई, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, किधर लेकर जा रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी मिस्टर। आसपास लोग खड़े होकर देखने में मगन थे, मगर आगे कोई ना बढ़ा, वजह इसके हाथ में पकड़ी पिस्टल थी। वो शोर में चाहती रही मगर वो कान लपेटे नाक की सीट पर चलते ही इसे सामने खड़ी BMW में लाकर पटका। इसके अरे अरे करते वो दरवाज़ा बंद कर चुका था। इसने बहुत शोर मचाया मगर वो गूंगा बहरा बना सामने देखते ड्राइव कर किए गया। अंदाज ऐसा था कि इसके अलावा गाड़ी में और कोई हो ही ना। वो दिन दिहाड़े गवाह हो चुकी थी, अब इसे सही में टेंशन हुई थी। अब तक वो समझ रही थी कि शायद वो इसे किसी और के उठा के ले गया है। गाड़ी जाने के रास्तों से होती हुई एक बड़े से गेट के सामने रुकी। हॉर्न की आवाज़ पर गार्ड ने फौरन गेट खोला। इसका दिल सूखे पत्ते की माने लर्जा। क्या होने वाला था इसके साथ, अल्लाह खैर करना। वो मुख्तलिफ आयात का विट करती धीरे दिल में अपनी सलामती की दुआएं करने लगी। तभी वेट क्या हमने लोक नहीं लगाया था लगाया है तभी गाड़ी रुकी और वो बिजली किसी तेज़ी से उतरकर इसकी जानब का दरवाज़ा खोलकर इसे वैसे ही खींचते हुए अंदर ले जाने लगा, जैसे वो इसे शॉपिंग मॉल से खींच कर लाया था। वो जाने इसे किधर लेकर आया और क्या करने वाला था इसके साथ, अब तो चला चला कर गला भी दुखने लगा था, मगर इस सरफिरे के कान पर जूं तक ना रहेंगी। ओ भाई बहरे हो क्या, सुनाई नहीं देता। भाई नहीं मैं तुम्हारा, हाँ मेरे अलावा जिसको मर्जी भाई बना लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वो सर्द लहजे में बोलता इसे बैक साइड पर बने कमरे में लाया, जो इंतहाई गंदा था, शायद स्टोर रूम था, वहाँ पुराना अखबार ही पड़ा था। वो इसे इधर फेंकते हुए खुद बाहर निकल गया। इसने बहुत वावेला किया मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। इसका दिमाग माउफ हो रहा था, सब ओके है। इसने बाहर आते ही कसीर से पूछा, जी सब हो क्या? ओके बिठाओ सबको, मैं आता हूँ अभी। वो वापस स्टोर की तरफ बढ़ा। शुक्र है तुम आ गए, मुझे पता था तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, गुस्सा तो मुझे बहुत है तुम पर, मगर खैर छोड़ो, साइड पर हटो। एमी मेरा इतना टाइम वेस्ट करवा दिया। वो खुद ही सवाल खुद ही जवाब देती बाहर निकलने लगी, जब इसने बाजू से पकड़ कर इसे दीवार से लगाया। बकबक किए जा रही हो, बवास ना आए तुम्हारी। वो इसे दीवार से लगाया, दोनों कलाइयाँ दीवार से लगाए, इसके बिल्कुल करीब झुककर फंकारता, मास्क अब चेहरे से हट चुका था। हुदिये को सामने खड़े इतने हैंडसम लड़के पर शदीद गुस्सा आया कि अगर वो दो मिनट के लिए इसके हाथ छोड़ दे तो इसका ये खूबसूरत चेहरा अपने नाखूनों से एक पल में बिगाड़ दे। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें यहाँ रखने का, अब भी वापस भेज दूंगा, मगर इससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम है, वो निपट जाए तो चली जाना, मुझे कोई इतराज़ नहीं। कौन कौन सा काम, इसे कुछ बहुत गलत लग रहा था, इसका दिल खौफजदा हुआ। अभी एक मौलवी साहब आएंगे, तुमसे कबूल है पूछेंगे, बस कबूल है बोलकर साइन कर देना जहाँ वो कहेंगे, इसके बाद तुम जा सकती हो। बट सीरियसली दिमाग तो तुम नहीं ख़राब तुम्हारा, तुम जो बोल रहे हो जानते भी हो इसका मतलब? जानता हूँ सब, मुझे मत समझाओ, जैसा बोला वैसा करोगी अगर वापस जाना चाहती हो, वरना रहो इधर, मुझे कोई मसला नहीं। तुम ना पहली फुर्सत में किसी दिमाग के डॉक्टर को चेकअप करवाओ, तुम्हारा मसला तो काफ़ी सीरियस लग रहा है मुझे। अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो लड़की, वो सर्द लहजे में बोला। सब्र का इम्तिहान तो तुम मेरा ले रहे हो, न जाने कौन हो कौन नहीं ज़बरदस्ती उठा कर ले आए हो और फरमाइश कर रहे हो कि एक मौलवी आएगा, कबूल है बोलकर साइन कर देना। क्या साइन कर दूँ? हाँ, वो अभी फुल तेज में आ चुके थे। दिमाग ख़राब कर दिया इस पागल आदमी ने इसका। सैयद ज़ारून शाह हूँ मैं, और मौलवी तुम पूछेगा कि तुम्हें सैयद ज़ारून शाह कबूल है, तुम बोलोगी कबूल है, फिर निकाह नामे पर साइन कर देना। और कोई सवाल? इसने आइब्रू अचका के इस्तफसार किया। नहीं यहाँ कोई मजाक हो रहा है कोई? तुमने इतनी आसानी से सब बोल दिया और मैं मान लूँ, किस लिए? हाँ वो इसका गिरबान पकड़े चलाई, अब इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अपनी हद में रहो लड़की, जानती हो किसका गिरबान पर हार डाला है? इसकी इस हरकत ने बेहद इश्तियाल दिलाया था। ज़ारून अहान मीर अरमान,
और मुराद ये हैं, बाकी जमान पास्ट में था, अभी तक उसका जिक्र नहीं हुआ। नहीं जानती मैं, और यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानती, अब जाने दो मुझे, कोई बात नहीं, जान पाओ जान जाओगी अब। और हाँ, थोड़ी देर तक मौलवी आएगा, जैसा बोला वैसे ही करना, और कोशिश करना मुझे दोबारा ना आना पड़े, क्योंकि वो तुम हर किस अफोर्ड नहीं कर सकोगी। अगर कोई तमाशा किया तो सड़ती रहना इसी स्टोर में भूखी प्यासे, किसी को खबर भी नहीं होगी, वो कहकर निकलता चला गया। माउफ होते जहन के साथ वो दीवार के साथ बैठती चली गई, किस मुसीबत में फंस गई थी वो। उफ बाबा कहाँ हैं आप, मैं आपको सॉरी मैं क्यों आ गई आपको बिना बताए, या अल्लाह मेरी मदद कर। सोच छूरिया सोच, कैसे यहाँ से निकलना है, इस बददिमाग का कोई भरोसा नहीं है, कर भी जाएगा लेकिन अगर इतने लोगों के दरमियान उठा के ला सकता है तो कुछ भी कर सकता है, तो क्या करूँ, इसकी बात मान भी तो नहीं सकती, लेकिन और क्या ऑप्शन, सॉरी और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे ख्याल में। अभी इसकी बात मान लेती हूँ कि इसके बाद वो मुझे जाने देगा, क्योंकि यहाँ से निकल कर ही मैं कुछ कर सकती हूँ। रही बात निकाह की, तो वो मैं खुला ले लूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो सोच सोच के पागल होने को थी, मगर इसके अलावा कोई भी तरीका फिलहाल कारामद ना दिखा तो मजबूरन इसे मानना ही पड़ा। हूरिया शाह वल्द सैयद हसन शाह बावस 10 लाख हक मेहर आपको सैयद दारून शाह वल्द सैयद फैज शाह के निकाह में लिया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है। सपाट चेहरा लिए ज़मीन पर बैठी जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी, जबकि धीर उम्र औरत ने इसका कंधा हिलाया, कबूल है, इसने मकान की अंदाज में जाब कबूल का मरहला सर अंजाम दिया। सॉरी मौलवी साहब इसके साइन लेकर वहाँ से चले गए थे, कब से छलकने को बेताब आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों को भिखोने लगे। उधर जारू ने भी निकाह कबूल किया, सभी से मुबारक दे रहे थे जैसे इसने सर को खम देकर कबूल किया। न जान पहचान, धक्केदा मेहमान नहीं धक्केदी बीवी, मतलब कोई रिवेंज भी नहीं, कुछ भी शौक भी नहीं हो रहा, मतलब ये जारून का तो कोई चक्कर ही नहीं था ना, फिर इसने ऐसे शादी क्यों की। तुम मुबारक नहीं दोगे मुझे, हालांकि सबसे पहले तुम्हें ही मुबारक देनी चाहिए थी मुझे। जारून ने सामने बैठे शख्स का तमस्खर उड़ाया, ये तुमने अपने साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया जारून शाह, सामने बैठे नफस ने इसे बावर करवाया। लेट्स सी, अब मैं ज़रा अपनी मनखुआ साहिबा से मिल रहा हूँ, वो आँख विंग करता बाहर निकला। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं जारून शाह, तुम पहले शख्स हो जिससे मुझे नफरत हुई, और तुम ही इस रोहे ज़मीन पर आखिरी इंसान होगे जिससे मैं नफरत करती रहूँगी। निकलने दो तुम मुझे यहाँ से एक दफ़ा, वो इसे देखते ही फंकारी। आहा, मैं तो डर गया, इसने डरने की एक्टिंग की, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी नफरत या मोहब्बत से, चलो बाहर आओ अगर जाना चाहती हो यहाँ से। वो जल्दी से इसके पीछे ही निकली और इस अकूबत खाने में एक मिनट भी नहीं रहना चाहती थी, मगर इसे सबसे बड़ा झटका लगा सामने खड़े अपने बाप को देख के। वो रोते हुए भाग कर अपने बाबा के गले लगी। चलो जी हो गया मेलो ड्रामा शुरू, जारून ने ताहट भरे अंदाज में कहा। बाबा ये शख्स इसने मुझे, चलो यहाँ से, हसन शाह ने इसकी बात दरमियान में काटी। वो हूरिया का बाजू पकड़े अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। ये क्या हो रहा है, हमें भी कोई समझा दे। एक मिनट, दारू ने रोका। बुशरा चादर उड़ाओ ही नहीं, इसने एक नज़र इसे देखा जो बाल खोले शार्प कुर्ते के साथ जीन्स पहने गले में छोटा सा मफलर लटकाए हुए थी। दारू ने नागवारी से मुंह फेरा। बुशरा एक बहुत नफीस सी ब्लैक कलर की ब्लैक ही अम्बरेडी वाली चादर लेकर आई। मुझे नहीं देनी चादर, मैं ऐसे ही आई थी, वो सारे जहाँ की नफरत लिए लहजे में समोए बोली। जो यहाँ आई थी वो हसन शाह की बेटी थी, और जो यहाँ से जा रही है वो जारून शाह की मनकुआ इसकी इज्जत है। इसने बुशरा के हाथ से चादर पकड़कर खुद ही से उड़ाई। मनकुआ माई फुट, वो पाँव पटकती हुई गाड़ी में जाकर बैठी। चलो जी सियापा स्टार्ट हो गया, अब कौन रह गया, वो भी चला गया मीर, वो मीर शाह, उसका भी दिल आ गया उस लड़की पे। फिर ये जारून का आ गया, अब अरमान बचा है, जमान की पहले ही शादी हो गई थी महिमा से, अहान को महिमा से मोहब्बत थी, अब अरमान ही बचा है बस। चलो जी आगे पढ़ते हैं हम। तुम लोग इसको लेकर क्यों गए थे बाहर, वो जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर काट रहा था, कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था, बॉस हम डर गए थे कि इसे कुछ हो ना जाए। आपके वापस आने तक इसलिए ले जाना पड़ा, खून बहुत निकल रहा था इसको, हमने तो बहुत एहतियात से इसे छुपा कर भेजा था, और आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग इसे शहर से ज़रा फासले पर बने क्लिनिक पर लेके गए थे, क्लिनिक के साथ सारे निशान भी ख़त्म कर दिए। हो सकता है कि वो सब अंदर मारे गए हों, भाग कर आने वाले बंदे मैंने बनाए, गधे पाले हुए हैं मैंने, किसी काम के नहीं हो तुम लोग, किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया है, कोई हम पर नज़र रखे हुए है, अगर कोई आया गया नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ ज़मीन खा गई या आसमान निकल गए इन्हें। वो हराम मशरूब अंदर उठेलता चला रहा था, इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वह अनछुई कली जिसके लिए इसने 4 साल इंतज़ार किया वही रुनीत की मानद हाथ से निकल गई थी।
कौन है जिसने इतनी जुर्रत की, किसने अपनी मौत को आवाज़ दी है, पता लगाओ इसे। दो दिन से एक पल भी सुकून नहीं था। जब ही इसे इस सबकी खबर मिली, वो दुबई से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग आया था। बस करें, क्यों खुद को हलकान करें एक छोकरी के लिए। निर्मल बाल झटकते हुए लाड से इसके गले में बाहें डालते बोली, वो छोकरी जिद है मेरी। वो धारा और निर्मल को बालों से झटका देकर खुद से दूर फेंका। इस वक्त कोई भी चीज़ इसे पुरसकून नहीं कर पा रही थी। इतने में बाहर से एक आदमी हाँपते हुए अंदर आया। बोस, वो अज्जू और बशीर आए हैं, फौरन अंदर लाओ इनको। वह जल्दी से आगे बढ़ा। किधर थे तुम लोग, और उष्णा कहाँ है, इसने बेताबी से पूछा। बोलो चुप क्यों हो तुम लोग, अब की बार वो चिंगाड़ा। तो उन दोनों ने सब गोश गुजार किया और एक चिट निकाल कर आगे बढ़े। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है शेर खान, दम है तो अपने बिल से बाहर निकल। योर गर्ल इज माइन नाउ मीर शाह। हराम खोरो, तुम दोनों इसे वहाँ छोड़कर कबूतरों की तरह पैगाम रसा बन के आ गए। इधर, इसने गेज़ो गज़ब से धारते हुए पास खड़े बंदे से पिस्टल छीनकर इन दोनों को हमेशा के लिए सुला दिया। मीर शाह, इसने गुस्से से चलाते 2 मिनट में वहाँ मौजूद हर चीज़ तहस नहस कर दी। साले, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, पछताएगा तू इस वक्त पर जब तूने शेर खान से पंगा लिया था। इसका बस नहीं चल रहा था कि मीर शाह इसके सामने हो और वो इसकी बोटी बोटी नोच ले। पता करवाओ साले, सारा बायोडाटा निकलवाओ। ओके, साले ने शेर खां की सबसे महंगी चीज़ चुराई है, वाजिबुल कत्ल है मीरशाह, वो फंकारा। अस्सलाम वालेकुम, इसने अंदर दाखिल होते सलाम की और एक नज़र जारून पर डाली। जारून खाने से फारिग होकर मेरे कमरे में आओ, बात करनी है। जारून का नवाला मुंह में ले जाता हाथ वहीं रुक गया। मतलब भाई को पता चल चुका था। या अल्लाह, क्या कोई बात किसी की प्राइवेट नहीं रह सकती, इसने जलते करते सोचा। खाना नहीं खाओगे, वो जो कमरे में जा रहा था कासिम शाह की बात पर रुका। नहीं दादा, एक दोस्त के साथ खा चुका हूँ, वो मुख्तसर सा कहकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। सब ठीक है ना जारून को देखकर हाँ ने पूछा। जी भाई, शायद काम के सिलसिले में बात करनी होगी इन्हें, आप लोग खाएं खाना, मैं बस खा चुका हूँ, वो एक्सक्यूज़ करता हुआ उठा। चल जारून बेटा, तेरी सॉरी तैयार हो जा इज्जत अफजाई के लिए, इसने लंबा सांस लेते दस्तक दी। यस, अंदर से जवाब आते हुए गहरा सांस लेकर अंदर दाखिल हुआ। मीर सामने ही सिगरेट सुलगाए लैपटॉप पर मसरूफ था। जी भाई, आपने बुलाया था, वो मिन बनाया, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे, इसने लैपटॉप साइड पर रखते हुए पूछा। जारून खामोश रहा। SSP सैयद जारून शाह, मैंने कुछ पूछा है, आपने आज के कारनामे के बारे में कुछ कहना चाहोगे, बाद में मत कहना कि तुम्हें मौका नहीं दिया गया। भाई अब जानते हैं सब, वो मध्यम सा बोला। जारून, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है, किसी से बात करना भी गवारा नहीं किया तुमने, खुद इतना बड़ा फैसला ले लिया, क्या करोगे अब इस लड़की का, क्या होगा, तुम कैसे इस तरह का हमकाना फैसला कर सकते हो। अगर मैं तुमसे अपनी जज्बाती वाबस्तगी की वजह से मजबूर ना होता तो गोली मार देता तुम्हें, तुम्हारे इतने शानदार कारनामे पर। मीर का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। जब सबको पता चलेगा तो क्या जवाब दोगे तुम, बोलो अब चुप क्यों हो, इससे बेहतर था तुम इसके बाप को गोली मार देते, मैं संभाल लेता, मगर ये कोई तरीका है जो तुमने अपनाया, अगर इसे जान से मार सकता तो बहुत पहले मार देता, फांसी भी लग जाता, मुझे कोई डर नहीं है मरने का, मगर मैं मजबूर हूँ किसी से किए गए वादे की वजह से। जारून के लहजे में बरसों की थकान समेट आई थी एकदम। मीरशाह के दिल को कुछ हुआ, वो अपने सब भाइयों से बहुत प्यार करता था, वो जो किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर चुका था, एक इंकशाफ ने इसे क्या से क्या बना दिया था। मीर ने अचानक एक फैसला लिया, क्योंकि वह इसे अपनी ज़िंदगी यूँ ख़राब तो हरगिज़ नहीं करने देने वाला था। घर ले आओ इसे, बाकी सबको मैं देख लूँगा, वह मजबूत लहजे में बोला। भाई ये आप क्या कह रहे हैं, जारून ने धुआं चेहरा लिए मीर को देखा। हाँ मैं कह रहा हूँ, घर लाओ इसे, जब निकाह कर चुके हो तो। हरगिज़ नहीं, आप अगर चाहें तो गोली मार दें, मगर आपकी ये बात नहीं मान सकता, माजरत। तो फिर आखिरी ऑप्शन है तुम्हारे लिए, ख़त्म करो इस निकाह को कल के कल ही, जिस तरह बिना किसी को पता चले ये निकाह हुआ, वैसे किसी के लम्बे लाए बगैर छोड़ दो इसे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। मैं ना तो इसे बसाऊंगा और ना ही सजाद करूंगा, बोटल लहजे में बोला। जारून शाह, सजा मुस्तहिक को देते हैं, अपने से कमज़ोर से मुकाबले में मर्द अगर जीत भी जाए तो भी ये इसकी हार ही होती है, इसलिए सुबह तक सोच लो अच्छे से कि तुम्हें क्या करना है। उष्णा को दिलीप के साथ इसने अपने खुफिया अपार्टमेंट में रखा हुआ था, वो जानता था कि शेर खान के बंदे कुत्ते की तरह इसकी बूंद सूंघते फिर रहे होंगे। दिलीप बहुत तहम्मुल से इसे डील कर रही थी, इसका जख्म मदमल हो रहा था, मगर इसके जहन पर खौफ के छाप बहुत गहरी थी। इसकी खौफ की वजह इस कदर घनौनी और मकरूहा थी कि मीशा का खून खोल उठता था सोच के ही। वो लोग जिन्हें इंसान कहना भी इंसानियत की तोहीन थी, वो हैवान एक 13-14 साल की मासूम बच्ची के सामने अपनी रखेलों के साथ हैवानियत दिखाता है, इसे ज़बरदस्ती वो सब गलाजत देखने पर मजबूर किया जाता, और जब वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल मफलूज हो जाती तो इसे ड्रग्स से नशे में रखा जाता था, और कुछ दिनों बाद वही अमल फिर इसके सामने रिपीट किया जाता। वो इस कदर खौफजदा थी कि अपार्टमेंट में मीर शाह फारूक या किसी भी मर्द को देखते ही चीखना चलाना शुरू कर देते थे। इसकी कंडीशन के पेश नज़र मीर शाह के ऑर्डर पर किसी भी मर्द को अंदर जाने की इजाज़त ना थी,
खुद भी वो सिर्फ तब वहाँ आता था जब वो सो रही होती थी। एनी प्रोग्रेस, इसने संजीदगी से इस्तफसार किया। अब भी वो दिलीप से इसके सोने आई थिंक सोए होने क्या कंफर्म करके वहाँ आया था। नो सर, मेरे बहुत समझाने पर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। बस इतना है कि वो शो नहीं करती, मगर सर वो बुरी तरह ड्रग्स की आदी हो चुकी है। जब इसे नशे की तलब होती है तो इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल से इसे बहलाव सलाकर मेडिसिन दी जाती है। ओके, आप कोशिश जारी रखें और शाम में डॉक्टर शमाइला आएंगी। ओके सर, वो दिलीप को इंस्ट्रक्शन देता वापस पलटा, मगर फिर दिल के हाथों मजबूर होकर वो कमरे की जाने बढ़ा, जहाँ वो दुनिया जहाँ से बेखबर आंखें मुद्दे दवाइयों के जरिए सर सो रही थी। कुछ देर आंखों की प्यास बुझा के वो तेज़ी से अपार्टमेंट से निकलता चला गया। सर वो अकेला नहीं है, बल्कि इसकी सारी फैमिली इस लाइन में है। कोई ASP है, कोई SSP है, SP है तो कोई SSP है, जबकि वो खुद मंजरे आम पर नहीं आता। फिलहाल अपनी पहचान छुपाए हुए हैं, मगर इस तरह का प्रोटोकॉल इसे दिया जाता है। वैसे किसी भी मामूली ऑफिसर को नहीं दिया जाता, ना बीवी बच्चों का कोई झंझट है। ISI से कनेक्टेड है। कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसके मुलाकातों के बारे में भी पता चला है। शेर खान के बंदे ने मीशा का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने रखा। बॉस, दम है बंदे में, इसके बंदे भी मरऊब नज़र आ रहे थे काफ़ी, तो निकाल देंगे सारा दमखम। ऐसे जाने कितने आए और कितने गए, ये भी पानी का बुलबुला साबित होगा। जब मुँह की खाएगा तो समझ जाए मेरी ताकत और अपनी औकात। तुम नज़र रखे हुए हो, इसके वीक पॉइंट निकालो इसे काबू करने का। मैं भी देखता हूँ कब तक आई थिंक टकराता है वो मेरे सामने। मेरे मुंह का नवाला छीना है साले ने, अब मैं बताऊंगा इस गुस्ताखी की क्या सज़ा होती है। ओके, नावल तो काफ़ी अच्छा है वैसे, अच्छा लग रहा है। अब मतलब ना काफ़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा सस्पेंसफुल, थोड़ा सा रूट हीरो, कुछ इनोसेंट हीरोइन और कुछ स्ट्रॉन्ग सी हीरोइन, मतलब आगे से बोलने वाली तेज तरार, सब कुछ मिला के नावल अच्छा लग रहा है। बाबा क्या है ये सब, आप ऐसे क्यों आ गए वहाँ से? बाबा, इस बदतमीज़ इंसान ने ज़बरदस्ती मेरे साथ निकाह पढ़वाया और आप बिना कुछ कहे वहाँ से चले आए, और आपको कैसे पता चला कि मैं इधर हूँ? वो सवाल पर सवाल दागती गई। रिलैक्स हो जाओ बेटा, बैठो इधर आराम से, कुछ नहीं हुआ। ओके, सो डोंट वरी, मैं हूँ ना, क्यों परेशान होती मेरी प्रिंसेस, सब ठीक हो जाएगा। बस आपने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी अभी। ओके, पर क्यों बाबा? बाबा की जान मैं सब हैंडल कर लूँगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हसन शाह अपने अंदर का इंतशार छुपाते हुए हुरिया को रिलैक्स करने में लगे हुए थे। जाओ आराम करो, आप अपने रूम में जाके, मैं वकील से बात करता हूँ। ओके बाबा, मगर जल्दी निपटाएं ये सब, वरना मैं जान से मार दूँगी इस जाहिल को। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ही बीवी मेरे साथ ये सब कर गई, खुद तो चली गई और मुझे इस मुसीबत में डाल गई। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था निशात, अगर मुझे तुम्हारे इस कदम के बारे में इसी वक्त पता चल जाता इस सब का, तो मैं इस कमीने को तभी जान से मार देता। ये तुमने अच्छा नहीं किया जारून शाह, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी बेटी को इस सब में नहीं घसीटना चाहिए था। हसन शाह मुसलसल चक्कर काटते हुए माजी में डूबे हुए थे। वो जो बरसों पहले सब कुछ ख़त्म कर चुके थे, वो बाप फिर से खुल चुका था। वो अपने कमरे में लेटी हुई इस सब को सोचे जा रही थी, कैसे लम्हों में सब बदल गया। वह शदीद ज़हनी इंतशार का शिकार थी। इस वक्त जब भी फ़ोन की बैल ने से मतवचा किया, साइम का फ़ोन। इस टाइम इसे वो और परेशानी में मुबतला कर गया था। बादल खास्ता इसने कॉल रिसीव की। हेलो साइम। हेलो, हाँ हेलो हूरिया, किधर हो यार? मैं दोपहर से कॉल कर रहा हूँ, तबीयत तो ठीक है ना? आवाज़ क्यों इतनी स्लो है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ साइम, बस आज मार्केट चली गई दोपहर में, अब सर दर्द है बस। तुम सुनाओ, दिन कैसा गुजरा और मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? सब ठीक रहा, और एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। वो क्या? वो बेसब्री से बोली। साइम से बात करना इसे हमेशा ही फ्रेश कर देता था। वो तो कल ही पता चलेगा, आज रात की फ़्लाइट से वापस आ रहा हूँ, फिर कल शाम तुम्हारी तरफ आएंगे हम। साइम नॉट फेयर, अब मुझे नींद नहीं आएगी, बता दो ना, वो मुँह सोड़ कर बोली। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त मेरे बारे में सोचो, वो मोहब्बत से चूल है, जो मैं बोला। तो हूरिया होश की दुनिया में वापस आई। ये जो वापस जा रही है, ये जारून शाह की मनकुआ, इसकी इज्जत है। इसका सरसराता हुआ लहजा इसके कानों में गूंजा। ओके साइम, सुबह बात होती है। वो एकदम काल काट की। साइम का इसी टाइम मैसेज आया, क्या हुआ? नाराज़ होगी, मेरी कोई बात बुरी लग गई? वो मैसेज पढ़ते मुस्कुराई। कितनी फिक्र रहती थी इसे हूरिया की, वो इसकी ज़रा सी बेरुखी भी बर्दाश्त ना करता था। हूरिया की ज़रा सी नाराज़गी से बेचैन कर देती थी, और एक वो न जाने कौन सी ढीठ मिट्टी का बना हुआ था जाहिल आदमी, जिस पर इसके चीखने चलाने रोने का कोई असर ना हुआ। क्या मुझे साइम से डिस्कस करना चाहिए? मगर बाबा ने भी मना किया है, इसने मोबाइल उठाया नहीं। मैं नाराज़ नहीं हूँ, कल होती है मुलाकात। फिर एक स्माइली वाले इमोजी के साथ इसने मैसेज करके मोबाइल टेबल पर रखा। सर दर्द से फटने को था, जो भी आज हुआ वो इतनी आसानी से जहन से झटक देने वाली बात ना थी, इसकी सारी ज़िंदगी का मामला था। मुल्क की सबसे बड़ी साइकेट्रिस्ट को हायर किया गया था।
दूसरे इलाज के साथ साथ इसकी काउंसलिंग भी हो रही थी। वो बहुत मुश्किल से सेशन करवाती थी, वो भी जब दिलीप सर को बुलाने की धमकी देती थी। वो जितनी कोशिश कर रहा था वो इतनी ही बिगड़ती थी। मसला ये था कि वो खुद अभी इसके सामने जा नहीं सकता था, इसके खौफ के मद्देनज़र सॉरी सारा लेडी स्टाफ ही इसे हैंडल कर रहा था। वो अब बहुत बेहतर थी मगर मेंटली तौर पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी। मीर शाह को डेली बेसिस पर इसकी रिपोर्ट दी जा रही थी। वो जानता था ये बहुत सब्र आजमा काम है, इसलिए वो बहुत तहम्मुल से काम ले रहा था। हालांकि ये इसकी नेचर के खिलाफ था मगर दिल के हाथों मजबूर था। वो ठीक होना नहीं चाहती थी और मीर शाह के लिए मज़ीद सब्र मुश्किल होता जा रहा था। कई बार वो रातों को छुपके इसे देखने को अपने ही अपार्टमेंट में चोरों की तरह जाता। बहुत इंतज़ार करवा रही हैं आप, मेरी शिद्दतें बढ़ती जा रही हैं और आपकी नन्ही सी जान के लिए जान कैसे सह पाएगी मेरी जुनून खेजियों को। जल्दी से ठीक हो जाएं क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक खुद को आपसे दूर नहीं रख पाऊंगा। वो सुलगते लहजे में अपने जज्बात इस बेखबर पर रियां कर रहा था जो खुद तो गहरी नींद में डूबी हुई थी मगर मीर शाह को जगाए हुए थी। मीर की नज़रों की तपिश थी, शायद कब नींद में भी कसमसाई और मुँह के टेढ़े मेढ़े दाविए बनाती करवट बदल की। जैसे ही से मीर शाह का खुद को यूँ मुसलसल देखे जाना कुछ खास पसंद ना आया हो। मीर के लिए खुद पर जब्त करना महाल था। इससे पहले कि इसे अपने बेकाबू होते दिल और सरकश जज्बात पर बंद बांधना मुश्किल हो जाता वो वहाँ से निकलता चला गया। क्या जादू कर दिया है तुमने मेरे भाई पर इरा यार, वो तो बुरी तरह फिदा हो चुके हैं तुम पर। मैं तो कोई जादू नहीं किया, तुम्हें जादूगरनी लगती हूँ मैं, इरा ने तीखे लहजे में बोला। बिल्कुल कोई शक, जुबैर ने अंदर आते लुकमा दिया। जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो कन्फ्यूज हुई थी। चलो तुम बैठो मैं खाने को कुछ लाती हूँ। रमैसा उठकर जाने लगी तो इरा ने बेख्तियार इसका बाजू थाम कर रखा। मेरा भाई बहुत शरीफ है, खा नहीं जाएगा तुम्हें, फिक्र ना करो। हाँ वो अलग बात है कि तुमने मजनू बना दिया है, रमैसा ने इसे छेड़ा। कैसी हो, जुबैर ने इसकी उंगलियां चटाकते नर्वस से रूप को आंखों में उतारते हुए मुस्करा के पूछा। जी ठीक, इरा बामुश्किल बोल पाई। मेरा नहीं पूछोगी, जुबैर ने शिकवा किया। ठीक लग रहे हैं आप, वो मध्यम सा बोली। मगर मैं ठीक नहीं हूँ इरा, अब तुम्हारे बगैर गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, पांच देते लहजे में गोया हुआ। आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं उठकर चली जाऊँगी, इसने अपनी तरफ से धमकी दी। मैं सीरियस हूँ यार, अब बस जल्दी से मेरी हो जाओ हमेशा के लिए। जुबैर की बेबाक बातें इसका दिल दहला रही थी। मैं रमैसा को देखती हूँ, कहते साथ ही वो भागी जब इसे अपने पीछे जुबैर का जानदार कहका सुनाई दिया। उफला जब उसको मुराद को पता चला ना तुम्हारी तो जान अटकी बेटा। उशना की कंडीशन अब बहुत हद तक बेहतर थी मगर वो वैसे ही गुमसुम रहती थी, ना हंसती ना बोलती, कोई जज्बा कोई तासर इसके चेहरे पर ना उभरता सवाए डर और खौफ के। मीन ने अभी तक अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था मगर फिर भी तकरीबन सभी इसकी आंखों से छलकते जज्बों की लपक महसूस कर चुके थे। सर अब क्या प्लान है आगे, फारूक ने पूछा, क्योंकि दो महीनों से दोनों तरफ से खामोशी थी। मीर शाह ने भी इन्हें ना छेड़ा क्योंकि वो उशना की तरफ से काफ़ी डिस्टर्ब था। अब जबकि वो काफ़ी बेहतर थी तो वो हरगिज भी इंतज़ार नहीं करने वाला था। वो जानता था कि इसका डर जाते जाते ही जाएगा और इस पर कोई दबाव नहीं डाल रहा था जिससे इसकी जहनी हालत बिगड़े, वो इसे नॉर्मल होने के लिए टाइम दे रहा था। सर फारूक ने दोबारा मुखातिब किया तो वो उशना के ख्यालों से निकला। बस एक ज़रूरी काम निपटा लूँ फिर करते हैं दुश्मन से दो दो हाथ, वो फैसला कर चुका था उशना को अपनी ज़िंदगी में लाने का। अब मजीद वेट नहीं कर सकता था वो, उशना को हवेली छोड़कर शेर खान को धूल चटाने वाला था। मीर तो शोर है अपनी फीलिंग को लेकर, अहान ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए पूछा। क्यों तुझे कोई शक है, मीर शाह ने आबरू चुकाई। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा मुंडा भी फाइनली किसी की जुल्फ़ों का असीर हो गया है, हाँ ने इसे छेड़ा। वो जानता था मीर एक बार जो फैसला ले लेता था फिर पीछे हटना नामुमकिन था। बकवास मत करो, वो चिंचलाया। ओहो बच्चा शर्मा रहा है, अहान को इस तरह तंग करना बहुत मज़ा दे रहा था। मैं क्यों शर्माऊंगा और तू ये टीनएजर्स की तरह चढ़ाना बंद कर। टीनएजर्स से याद आया, भाभी तो यार तेरे से एज में काफ़ी कम है। हाँ तो ये कि तुझे क्या सूझी बुढ़ापे में शादी करने की, अपने बारे में क्या ख्याल है, मीर ने तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। तो एक पल के लिए अहान के चेहरे पर साया सा लहराया, मुस्कुराहट एकदम सिमटी। फिर बामुश्किल खुद को संभालते इसने मीर का ध्यान बटाने को वापस निशा वाला टॉपिक छेड़ा। मीर ने सब जानते हुए भी चुप साध ली। मीर तूने भाभी को इन्फॉर्म किया अपनी फीलिंग के बारे में या निकाह के बारे में। नहीं इन्फॉर्म किया, ख्वाब में करूँ, मीर ने जले दिल के भोले फोड़े। नहीं जब रातों को छुप कर जाते हो तब कर देना, अहान ने इसकी चोरी पकड़ी। वो मेरा अपार्टमेंट है, काम के सिलसिले में जाता हूँ, और तो क्या मुझ पर नजर रखता है, क्या सारे काम खत्म हो गए हैं तुम्हारे पास, मीर ने उल्टा इसे लताड़ा। ओ भाई मैं एक इंतहाई मेहनती और समझदार एसी हूँ जो तमाम दिन फील्ड में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के विजिट करता, किसी रूह की तरह कभी यहाँ तो कभी वहाँ भटकता रहता है। आपके बारे में तो बस उड़ती उड़ती सुनी थी, इसने आँख विंक की। मोहतरमा तो देखते ही चिल्लाने लगती है जैसे कोई भूत देख लिया, मीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो यार इन्हें प्यार से डील कर, इन्हें बता दे सब कुछ, ऐसे कब तक चलेगा। अरूसा चची को तुम जानते ही हो, वो सो रही थी जब वो तबे पाँव अपार्टमेंट में दाखिल हुआ।
दिलीप को इसने छुट्टी दे दी थी, नर्स को भी भेज दिया था दोपहर को ही इसने। वो सारे जहाँ की मासूमियत समोए जाने के देश की सैर को निकली हुई थी। इसका उबरता हुआ दिल मीर को बुरी तरह डिस्टर्ब कर रहा था। वो भारी भोजर कदम उठाता और आगे बढ़ा, घुटना मोड़े बेड पर इसके बिल्कुल करीब बैठा। कितनी ही देर वो आंखों को ठंडक पहुंचाता रहा। जब तलब और बढ़ी तो आहिस्ता से शहादत की उंगली से इसके दिल को छुआ, फिर हल्का सा उंगली से रब किया तो उष्णा ने पट से आंखें खोली। वो फिर भी पीछे ना हुआ, जबकि वो खौफ से लट्ठे की मानी सफेद बनने लगी। मीर शाह को अपने इतने करीब झुका देख इसका सांस सीने में अटका। वो शोर भी ना मचा सकी क्योंकि वो शायद इसका इरादा जानता था, इसलिए इसको इसके हवास बहाल होने से पहले ही भारी हाथ इसके होंठों पर जमा चुका था। आंखें सहमी मिरनी की मानी लग रही थी, वो छिटपटाई मगर नाकाम रही। डोंट पैनिक, इसने भोजल गंभीर आवाज़ में कहा। उष्णा का वजूद कांपने लगा था, मगर वह खुद पर झुके इस देव से खुद दूर करने में हलकान हो रही थी। इसकी गैर होती हालत के पेश नज़र मीर शाह खुद ही सीधा होकर बैठा। हाथ हटा रहा हूँ मगर आवाज़ ना आए, इसने वॉर्न किया। उष्णा गहरे गहरे सांस भरते अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश कर रही थी, जब ये अचानक वो दोबारा दोनों हाथ बेड पर रखते इसके ऊपर झुका। उष्णा को लगा वो मर जाएगी। मीर शाह के वजूद से उठती कलून की खुशबू, इसकी पर्सनैलिटी, इसका क्या मतलब होता है, इधर गौर लिखा हुआ है, आंखों से छलकती लपक इसे हुला रही थी। वो ज़ोर से आंखें मींचे हुए थी, जैसे आंखें खुलेगी तो वो गायब हो जाएगा। शादी करेंगे मुझसे, मीर शाह ने जज्बे लुटाती नज़रों से इसे निहारते हुए इसके कान में सरगोशी की। एक पल के लिए तो वो साकित रहेगी, वो यकटुक मीर की आंखों में देखेगी। ये तासर इसने आज तक किसी मर्द की नज़रों में अपने लिए ना देखा था, मगर सामने वाले से नज़रें मिलाना भी कहाँ आसान था। वो जल्द ही नज़रें झुका गई, इसकी कुर्बत उष्णा को घायल कर रही थी। वो बेबसी से फूट फूट कर रो दी, वो जबत किए रहा, इसने इसे रोने दिया। उष्णा ने इसे खुद से दूर करने के लिए अपने कांपते हुए हाथों को इसके सीने पर रखकर परे हटाने की कोशिश की, मगर वो इस फौलाद को एक इंच भी अपनी जगह से ना हिला सकी। डोंट क्राई इट हर्ट्स, वो मध्यम सा बोला। हर बात भुला दो, हर खौफ दिल से निकाल दो, बस इतना याद रखो कि मीर शाह आपको कभी हर्ट नहीं करेगा। आप तक आने वाली हर मुसीबत, हर परेशानी को मीर शाह से टकराना होगा। मैं आपको सबसे छुपा के अपने दिल में रखूँगा। आपकी तरफ उठने वाली हर ग्लीस नज़र, बुरे इरादे से आपकी तरफ बढ़ने वाले हर कदम, और जो भी आपको जरा से भी तकलीफ देने की कोशिश भी करे, मैं सिर्फ हस्ती से मिटा दूंगा इसे। मैं अपने साथ आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां हर निगाह में आपके लिए एहतराम और तकद्दस होगा, मोहब्बत और खलूस से गंदी दुनिया में। चलेंगी मेरे साथ? वो शानदार सा मर्द इस पर पूरी तरह छाया हुआ था। धीरे धीरे वो अपने लफ्ज़ों से इसके कानों में अमृत खोल रहा था। इसकी गर्म सांसों की तपिश इसे पिघला रही थी। वो कोई साहर था जो हर चीज़ से बेगाना कर रहा था। उष्णा, इसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर मीर ने इसे पुकारा। इसकी आवाज़ में इतनी बेकरारी थी कि वो जो इन सब बातों से अक्सर नाबलग थी, इसका दिल भी बेख्तियार धड़का। दिल इसकी तड़प देखकर इसके जज्बे पर ईमान लाने ही वाला था कि जहन के पर्दे पर एक दिलखराश मंजर उभरा। हाथ कैसे लगाया तूने इसे? वो वहशी हलक के बल चला रहा था और सामने ज़मीन पर बड़े वजूद को मुसलसल लोहे की सलाख से गर्भ लगा रहा था। कान खोलकर सुन लो सबके सब, अगर किसी ने इसकी तरफ आँख उठाई तो गर्म सिलाई से इसकी आँखें फोड़ दूंगा। ये सिर्फ मेरे लिए बनी है। वो बहुत जल्द, जब ये 18 की हो जाएगी, इसका जोबन अपने पाए अरूज को पहुंच जाएगा तो मेरी हो जाएगी। मुझे बहलाएगी अपने हुसन से, मुझे खुश करेगी, मेरे ये पता नहीं क्या लिखा है मेरी खलूत में। जबकि वो 14 साल मासूम दूर खड़ी थर थर कांप रही थी। इसे ज़िंदगी में इतना खौफ कभी किसी से महसूस नहीं हुआ जितना सामने खड़े इस आदमी से हो रहा था। वो हांफता हुआ अब किसी इसकी तरफ बढ़ा। छोड़ो मुझे, जाने दो, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो नन्ही सी गुड़िया इस वहशी की गिरफ्त में मछली जानना चाहती है किस लिए लाया हूँ तुम्हें यहाँ? हूँ तुम्हें बताऊँ, बल्कि तुम्हें दिखाता हूँ। इस तरह तुम जल्दी अपना काम सीख जाओगी, बस डरना नहीं और बिल्कुल भी शोर नहीं करना। वैसे ज़बरदस्ती पकड़े कमरे में लाया, फिर एक लड़की को वहाँ लाया गया। वो भी इसकी तरह गिड़गड़ा रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो उम्र में इससे बड़ी थी। लेकिन इसकी तरह वो भी मजबूर और बेबस थी। वो रोती रही मगर वो कान बंद किए हराम शरूब अंदर ढेलता रहा। और फिर वहाँ जिंदगी का वो खेल शुरू हुआ कि मासूम रोते चीखते चलाते आंखों पर हाथ रखे बाहर को भागी, मगर दरवाज़ा बंद था। इसकी लड़की की चीखें किसी का भी दिल दहला सकती थी, मगर वो दरिंदा ना रुका। आंखें खोलो मेरी रानी, देखोगी नहीं तो सीखोगी कैसे, और अगर सीखोगी नहीं तो मुझे खुश कैसे करोगी? वो ज़बरदस्ती से वो सब देखने पर मजबूर कर रहे थे। वहाँ दो और मर्द दाखिल हुए और सब बेहंगम कहके लगाते इस लड़की को नोच रहे थे। जब उष्णा में मजीद थकत ना रही देखने सुनने की तो होशो हवा से बेगाना होती फर्श पर गिरी। इस दिन से पहली बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। फिर जब वो बहुत ज़्यादा शोर करती तो इसे ज़बरदस्ती ड्रग्स दिए जाने लगे। वो इतनी सी उम्र में अपनी उम्र से बहुत बड़ी हो गई थी। गुजरे सालों में वो अनगिनत बार इंसानियत का जनाजा निकलते देख चुकी थी। ड्रग्स की वो इस कदर आदी हो चुकी थी कि ज़रा सी देर हो जाती तो इसकी हालत ख़राब होने लगती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर मफलूज हो रही थी, मगर वहाँ ज़हन या रूह की किसे परवाह थी? वहाँ तो जिस्म से मतलब था।
वो वहशी दरिंदा किसी काम से मुल्क से बाहर गया हुआ था, मगर रुशना को वो इस्लामाबाद अपने एक खुफिया अड्डे पर छोड़ के गया था, क्योंकि कराची में से खतरा था अपने पीछे, मगर वो सोच भी नहीं सकता था ये बहुत जल्द ये सब कितना महंगा पड़ने वाला था। 2-3 दिन से वो मुसलसल मौका तलाश कर रही थी और एक दिन फिर इसे मौका मिल ही गया। इसने इज्जत बचाने के लिए अपनी नस काट ली और ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि बहुत जल्दी से वो सब करना पड़ेगा जो वो 4 साल से देखती आ रही थी। मर्द औरत के मुकद्दस रिश्ते को इस कदर शर्मनाक और वहशतनाक दिखाया गया था कि वो मीर को अपने करीब देख फिर इसी ट्रामा में वापस जा चुकी थी। आंखें बंद किए वो चीखे जा रही थी, छोड़ो मुझे, दूर हो जाओ मुझसे, पीछे हट जाओ, चले जाओ, वो सबको मार दे, वो आ जाएगा। उष्णा होश में आओ, देखो कोई नहीं, आंखें खोलो। मगर वह नढाल से फिर से होश गवा बैठी थी। मीशा की गिरफ्त बेड की चादर पर भरती चली गई। कुछ देर पहले जिन आंखों में जज्बों का एक जहां बा था, इसकी फिर से मुंतशिर होती हालत देख वही आंखें जलते अंगारों की मानित लाल हुई थी। बहुत बुरी मौत लिखवा ली है तुमने शेर खां, बहुत बुरी। रुमैसा, आई नीड अ फेवर, जुबैर इसके पास आते हुए बोला। मैं इस वक्त तुम्हारी इरहा से बात नहीं करवा सकती। इसका सेल ऑफ था। इस वक्त इनके यहाँ अनमेरिड लड़कियों को रात 8 बजे के बाद मोबाइल यूज़ करने की परमिशन नहीं। रुमैसा ने पहले ही इसे ठेंगा दिखाया। अरे नहीं यार, मैं अपनी बर्थडे इरहा के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, बस तुम किसी तरह इसे परसों बुला लो। बहुत मुश्किल है, इनकी फैमिली इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो तुम्हारी जिद पर नोट्स का बहाना करके आई थी। नामुमकिन तो नहीं है ना यार, तुम किसी तरह इसे बुला लो प्लीज़। मैं इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, कुछ और जानना चाहता हूँ इसके बारे में। आखिर को हमें पूरी ज़िंदगी के साथ गुजारनी है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बस लास्ट टाइम हेल्प कर दो, फिर तंग नहीं करूँगा। वो मिनटों पर उतर आया। बुला भी लूँ तो फिर वो कहीं बाहर नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, और वैसे भी घर में ही सेलिब्रेट कर लेना यार, इरहा के लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम बस इसको घर का कह के ही मना लो, बाकी मैं संभालूंगा और मैं पूरा ध्यान रखूंगा यार, वो मेरी भी इज्जत है। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट ये लास्ट टाइम है। ओके ओके डन। जुबैर इसका खालाजाद कज़न था जो कि कनाडा में अपने वालदैन के साथ मुकीम है। वो यहाँ एमी घूमने फिरने आया था। एमी का मतलब तो पता ही ना, बस यूँ ही। एक दिन वो रुमैसा को कॉलेज से लेने गया तो रुमैसा के साथ इरहा को देखकर इस पर फरफिता हो गया था। फिर वो रुमैसा के जरिए अपने दिल का हाल इरहा तक पहुँचाता है। चढ़ती जवानी थी और चाहे जाने का एहसास इरहा को जाने क्यों सरशारी करने लगा। रुमैसा कई बार इरहा को बहाने बहाने से घर बुलाती है। इस दौरान इरहा और जुबैर के दरमियान काफ़ी बातचीत रही। बहुत ही कम उर्से में जुबैर की बातों और मोहब्बत ने इरहा को अपना दीवाना बना लिया था। हवेली में तो किसी को इल्म ही नहीं आ रहा था कि मीर शाह शादी के लिए तैयार है। हर कोई मुतजस्सिस था इश्ना से मिलने को, जिसने इस जिन को काबू कर लिया जो किसी के हाथ में आता था। जबकि फरवा की हालत काबिले रहम थी, मगर वो जानती थी कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई से रोक नहीं सकता। वो मीर शाह था जिसके फैसले अटल हुआ करते हैं। वो इसे हवेली ले आया जब सबको वो नीली आंखों और सुनहरे बालों वाली नाजुक सी गुड़िया बहुत पसंद आई। वो सहमी सी चुपचाप सब देख रही थी। मीर इसे बहुत समझा बुझा कर लाया था, अरे बस करो, बच्ची को अंदर ले जाओ, देखो परेशान हो रही है वो। महिमा और इरहा इसे अपने साथ ले गई, जबकि मीर शाह खामोशी से थोड़ी के नीचे हाथ रखे इसे देखे जा रहा था। बीजा ने गला खंकार कर इसे मुतवजा किया तो वह शर्मिंदा सा नजरें झुका गया। बच्ची तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, मगर काफ़ी कम उम्र है तुम्हारे मुकाबले में, और जिस तरह की तुम्हारी तबीयत है बेटे, तुम निभा कर लोगे ना इसके साथ, तुम्हें बहुत बर्दाश्त से काम लेना होगा, बीजान मुतफक्कर हुई। इसने सबको उष्णा के बारे में सब कुछ यहाँ लाने से पहले ही बता चुका था। अरुसा ने जुबान के जोहर तो काफ़ी दिखाए, मगर वो भी मीर शाह था। इसके एक ही जवाब ने इसे खामोश करवा दिया। उष्णा की सहनी हालत के पेश नज़र अभी हवेली के मर्दों के इसके सामने जाने से मना कर दिया गया था। बीजान, शहाना, मेहमा और इरहा इसका बहुत ख्याल रखती थी, इसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। हर वक्त कोई ना कोई इसके पास होती, मगर भरपूर तावन और खलूस ने उष्णा को बहुत हौसला दिया। बीजान तो हर वक्त इसके सदके बारी जाती है, तुम्हें क्या पता मेरी बच्ची तुम क्या हो इस हवेली के लिए, तुम तो बाहर हो इस हवेली की मेरे बच्चे के दिल का सुकून हो, इसकी ज़िंदगी का हासिल हो तुम। अल्लाह तुम्हें मेरे मीर शाह के लिए और मीर शाह को तुम्हारे लिए राहत बनाए। मीर ने सख्ती से सबको मना किया था कि उष्णा से कोई भी किसी भी किस्म का सवाल ना किया जाए कि वो कौन है, कहाँ से आई है या इसके पास्ट से रिलेटेड कोई विवाद जिससे इसकी हालत बिगड़ने का खतरा हो। उष्णा को हवेली आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था, बहुत हद तक इस हवेली और उसके मकीनों से मानूस हो गई थी। मीर शाह को इसने इस दिन के बाद नहीं देखा था, शायद कहीं गया हुआ था। वो लॉन में बैठी थी, माहिमा से बहुत मुश्किल से बाहर आई थी। आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली थी। उफ उष्णा, सर्दियों की धूप में माल्टे खाने का अपना ही मज़ा है, तुम बैठो मैं लेकर आती हूँ। कैसी हो? फरवा भी वहीं आकर बैठी। उष्णा की आंखों में शानसाई की एक भी रमिक ना उभरी। वो अनजान नज़रों से फरवा को देख रही थी। फरवा नाम है मेरा, तुम्हारे मीरशाह की चचा जात हूँ मैं। फरवा आज पहली बार इससे मुखातिब हुई थी, वो भी तंजिया सा। तुम्हारे मीरशाह की बाजगश्त बहुत गहराइयों तक समाहतों में उतरती महसूस हुई उष्णा को। ठीक, उष्णा ने एक लफ्ज़ से जवाब दिया। जानती हो जब तुम यहाँ आई थी तो मुझे
सबसे ज़्यादा नफरत महसूस हुई थी। पता है क्यों? वह एक लम्हे के लिए रुकी। उष्णा ने खामोश उलझी नज़रों से इसे देखा। बोली, कुछ नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे मेरा मीरशाह, मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी नौमरी की अवलीन चाह चुरा ली तुमने। इस कदर भयानक इल्ज़ाम पर उष्णा ने फटी फटी नज़रों से इसे देखा। इतने में माहिमा भी वहाँ चली आई। अरे फरवा, तुमका भाई शुक्र है तुमने भी कमरे की जान छोड़ी, माहिमा ने खुश दिली से कहा, क्योंकि वह फरवा की कंडीशन समझ सकती थी कि इस पर क्या गुजर रही होगी। वो इसकी शामीर के लिए दवानगी से बाखबर थी। बस वैसे ही सोचा, जाके गौर से देखूं तो सही, क्या खास है इसमें जो मीर को मुझ में नज़र नहीं आया। वो उष्णा को गौर से देखते हुए खोए खोए लहजे में बोली, फरवा पागल मत बनो, खामोश रहो, इसकी हालत पहले ही नाजुक है। माहिमा ने इसे डपटा, इसकी हालत नज़र आ रही है। मेरी हालत नज़र नहीं आ रही तुम्हें? जानती हूँ ना सब, मीरशाह सिर्फ मेरा है, मैं किसी को इसे खुद से दूर नहीं करने दूंगी। तुम कहो ना इसको ये वापस चली जाए जहाँ से ये आई है। फरवा हैजानती होती मुसलसल बोले जा रही थी, जबकि उष्णा फक होते रंग के साथ वहाँ से भागती चली गई। फरवा होश के नाखून लो, क्यों अपना तमाशा बनवा रही हो? अगर मीर भाई को पता चल गया तो तुम जानती हो ना इन्हें? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं मीर को किसी और का होते नहीं देख सकती। वह बिल्कुल बिलख कर रोती। महिमा को इस पर तरस आया। उष्णा कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किए रोए चली जा रही थी। इसे कहो ये वापस चली जाए जहाँ से आई है। इसके कानों में फरवा के अल्फाज फरवा की फरियाद करती आवाज़ गूंज रही थी। अभी तक तुम सिर्फ मेरे लिए आई हो इस दुनिया में, मेरी रानी, मुझे खुश करने के लिए। हाँ हाँ, उष्णा को वही कह के आवाज़ें चीखें कमरे में हर वक्त तरफ सुनाई देने लगी। वह चकराते सर को थामे गिरती चली गई। यार मैं सा मुश्किल हो जाएगी, तुम्हें पता भी है मेरे घर का माहौल, मैं नहीं आ पाऊँगी। यार तुम जुबैर को समझाओ, मैं इसे मोबाइल पर ही विश कर देती हूँ, फिर किसी दिन चक्कर लगा लूँगी तुम्हारी तरफ। बस यही तक थी तुम्हारी हिम्मत? इतना साथ नहीं कर सकती तो कल को अपने घर में मेरे लिए स्टैंड कैसे लेगी ये मोहतरमा? जुबैर जो पास खड़ा सुन रहा था, इसने वैसा से फ़ोन पकड़ कर इसे खरी खरी सुना डाली। बोलो अब कुछ खामोश क्यों होगी, कोई जवाब मेरे सवाल का? इरा ने बिना कोई जवाब दिए फ़ोन काट दिया। जुबैर का लहजा बहुत अजीब सा लगा। वो तो बहुत प्यार से बात किया करता था इससे, शायद मेरे इनकार की वजह से इन्हें बुरा लगा होगा, तब भी ऐसे बोल दिया होगा। वो अब दिल को तफल तसलियाँ देते हुए मुड़ी तो सामने मुराद शाह को खड़े पाया और इसे लगा जैसे मौत का फरिश्ता खड़ा हो। हाय, ऐसा ही एक सीन वो था जब आरजू ने दानियाल को देखा था, जब वो छुपकर पार्टी में गई थी, जब वापस आई सैंडल उठा के आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे, वो सोफे पे सुकून से टांग पे टांग चढ़ा के बैठा था, उसे भी ऐसे लगा जैसे मौत का फरिश्ता। दोनों सीन बहुत सिमिलर लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या हुआ, यहाँ क्यों बुत बनी खड़ी हो? मुराद ने इसे ख्यालों में खोया देखकर इस्तफसार किया। नहीं कुछ भी तो नहीं, वो हड़बड़ा कर अटकते अटकते बोली, जाने वो कब से खड़ा था और क्या क्या सुन चुका था। आप कहीं जा रहे हैं? जी क्यों, आपको कोई काम था? वही संजीदा लिया दिया सा लहजा। अल्लाह ना करे कभी मेरे इतने बुरे दिन आए कि मुझे आपसे काम पड़े। इरा ने हमेशा की तरह सिर्फ सोचा। नहीं वैसे पूछा, इस टाइम ड्यूटी पर होते हैं ना? इरा ने बात अधूरी छोड़ी। हाँ एक ज़रूरी काम है आज, तो बिना यूनिफॉर्म के लिए जाना है। बस एक ज़रूरी फाइल घर पर पड़ी थी, वो लेने आया था। खिलाफ तवक्का मुराद ने तफसीली जवाब दिया। बेस्ट ऑफ लक, इरा ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। दिल में तो लड्डू फूट रहे थे कि वो अपराध को लेट ही घर आएगा, मतलब मम्मी को पटाया जा सकता था। थैंक्स, और हाँ बात करते हुए लहजा भले ही लड़खड़ा जाए मगर लड़कियों के कदम नहीं लड़खड़ाने चाहिए। इसने थोड़ी देर पहले इरा के अटक कर बात करने पर चोट की। ये कहकर वो रुका नहीं था। वो मुतवज्जा होती तो ही इसकी बात में छुपे माही को ढूंढती, वो तो माँ को मनाने के तरीके सोचने में मशहूर थी। लगता है कि सोना पसा चल गया, चला है थोड़ा थोड़ा। ओके तो गाइस यहाँ पर पार्ट को एंड करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। हमारे गले में ना थोड़ा सा पेन हो रहा है शायद ज़्यादा बोल के, और दूसरा ये कि फिर आप कहेंगे बैकग्राउंड से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि हमारी मदर ना अपनी मतलब भांजी से बात करी है तो इस वजह से। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपको ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे, नावल काफ़ी 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 अच्छा लग रहा है तो तारीफ के हकदार है, 10 out of 10 इस एपिसोड को देते हैं हम। अगली वीडियो मिलते हैं, आप लोग बताएं कि आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो इस चैनल पे व्यूज़ कम है तो थोड़े इधर उधर के होंगे, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वीडियो व्यूज़ हो जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन। ओके, खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे गले के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट।